चैनल गाइस वेलकम बैक। आज हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से जितने भी हमारे न्यूज़ आर्टिकल्स थे जो हमारे रह गए थे उसको सबको कंपाइल कर देंगे। न्यूज़ आर्टिकल स्पेशली हम बात करें अगर हमारा 19, 20, 21 एंड 22 तो ये सारा हम एक ही लेक्चर देख लेंगे, सारे लेक्चर्स कंप्लीट करके एक तरीके से आपका रिवाइंड भी हो जाएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थम्स अप दें। और नहीं भी लगती तो कमेंट सेक्शन में कुछ अगर त्रुटियां हैं, कुछ फीडबैक है तो आप दे सकते हैं उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल जैसा कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल है और चिंता ना करें, इसको आपकी जो पीडीएफ आपको इसकी मिल जाएगी इसी चैनल में डिस्क्रिप्शन पे। मेरा फर्स्ट डिस्क्रिप्शन या तो फर्स्ट कमेंट चेक कर ले या फिर आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे आपको इसी लेक्चर की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दे दी जाएगी। मैक्सिमम जितने भी लेक्चर्स मैं देती हूँ पढ़ाई से रिलेटेड तो वो उसकी पीडीएफ आपको उसी लेक्चर के साथ में फर्स्ट मेरा जो कमेंट होगा या पेन कमेंट होगा उसमें आपको मिल जाया करेगा या मिल जाता है उसमें। आप अगर देखें ध्यान से तो पीडीएफ लेक्चर आपको भी मिल जाएगी, स्पेशली ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। अगर मेरी आप लेक्चर सीरीज देखें प्लेलिस्ट ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में कुछ 4-5 वीडियो है उसके सभी की मैंने पीडीएफ साथ में ही दी हुई है। तो आपको अलग से कहीं टेलीग्राम चैनल अगर मैं फोर्स नहीं करते तो करना है वो ज्वाइन कर सकता है। मैं टेलीग्राम चैनल वहाँ पर मैंने लिंक भी दिया होगा इसी कमेंट के नीचे, मैं दे दूंगी कमेंट बॉक्स पे। या फिर आप चाहे तो मेरा ज्योग्राफी थ्रू मैप्स करके एक मेरी सीरीज है ज्योग्राफी थ्रू मैप्स प्लेलिस्ट, उसके भी मैं हर एक चैप्टर का मैंने वीडियो के नीचे उसका मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इसकी तरफ। हमारा पहला आर्टिकल है हमारा बुबोनिक प्लेग से रिलेटेड, ये आपको दिख रहा है, आप इसकी फिगर आप इसको चेहरा अच्छे से देख लें। हमारा है ब्लैक डेथ से रिलेटेड। क्या है ब्लैक डेथ? जैसा कि आपको पता होगा हमने देखा था कि एक स्टडी हमारे रिसेंटली पब्लिश हुई थी कि एक जर्नल में बताया गया था रिसर्चर्स ने जो था कि ब्लैक डेथ का ओरिजिनेट कहां से हुआ ये पता नहीं चल पा रहा था किसी को भी। तो अब पता चला है कि ये किर्गिस्तान से ओरिजिनेट हुआ है बेसिकली ब्लैक। इसके अगर मैं बात करूं तो कहां से बुबोनिक प्लेग जो था ना अपना जिसको बहुत फेमसली रहा है, तो रिसर्चर्स को पता नहीं चल पा रहा था कहाँ से। तो दे बिलीव दैट दे हैव सॉल्व द नियरली 700 ओल्ड मिस्ट्री कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था ब्लैक डेथ। तो बेसिकली इसको माना जाता है कि किर्गिस्तान से ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है, किर्गिस्तान से। मैप में अगर मैं आपको दिखाऊँ किर्गिस्तान कहाँ पर, तो ये रहा आपका किर्गिस्तान, ये देखिए मैप, लोकेशन आपको दिख रही है कजाकिस्तान की, लेक ऑफ। तो हुआ क्या था मैं आपको उसको बताऊँ थोड़ा सा, ईरान, ये देखिए मैप में यहाँ पे सिचुएशन है, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड इसको आप बोल सकते हैं कि एक महामारी थी, ठीक है। चलिए सर हम बात कर लेते हैं। इन अ स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल नेचर रिसर्चर्स हैव क्लेम दैट द ब्लैक डेथ ओरिजिनेटेड इन अ मॉडर्न डे इन द नॉर्दर्न किर्गिस्तान अराउंड, टाइम पीरियड कितना था, अराउंड 1338 का से लेकर के 1339, और एक तगड़ी महामारी थी आप अगर बोलो तो, ये टाइम पीरियड था तब का, ठीक है। नियरली 7 से 8 साल अगर हम बात करें तो इसका एवरेज पार्ट रहा था पूरे वर्ल्ड में। इमेजिन 7 से 8 साल तक का टाइम पीरियड भी बहुत ज्यादा होता है, अगर ऐसे देखा जाए तो आपको लगेगा कि एक ही तो है, पर नियरली अराउंड अगर मैं देखूँ ना 7 से 8 साल बहुत होता है। तो अब इसके बारे में अगर हम बात करें कि ये क्या है, कैसे हुई, कहाँ से ओरिजिनेट हुई, क्या क्या था इसमें, ये क्या था मतलब, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बारे में बता देती हूँ आपको। द ब्लैक डेथ जिसका नाम है मॉर्टल डिजीज है जो कि आपकी ब्यूबूज एंड पेस्टिलेंस जो होती है ना, महामारी है एक तरीके की, और ब्यूबूज उसको बोला जाता है, रेफर टू दी बुबोनिक प्लेग। ब्यूबूज से ये बोला बुबोनिक प्लेग, ठीक है, प्लेग जिसका नाम है, ठीक है। तो क्या था दिस प्लेग विच किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल एज वी ऑल नो, स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट एंड यूरोप। कब से कब तक फैला उसका टाइम पीरियड अगर मैं बताऊँ 1346 से लेकर के 53 तक, मतलब 7 से 8 साल का टाइम रहा, और सबसे ज्यादा चरम पीक पे आप उसको बोलो तो 1338 से 1339 एक साल का बहुत ही महामारी वाला टाइम पीरियड था, मतलब 7 से 8 साल तक का ये टाइम पीरियड इसने, मैं अगर बात करूं तो 7 से 8 साल तक का टाइम पीरियड रहा, ठीक है। अब इसका वर्ल्ड मैप में लोकेशन अगर आप देखेंगे कहाँ पे था, मैंने आपको इसे दिखा दिया हुआ है, पर अगर फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए कहाँ कहाँ से स्प्रेड हुआ था। तो कुछ कंट्रीज जहाँ पे इसका ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला था, ज्यादा ऐसे ये पूरा एरिया था जहाँ पे स्प्रेड हुआ था, इमेजिन सबसे ज्यादा एरिया अगर आपको मैं बोलूँ जहाँ पे स्प्रेड हुआ था, तो आपका ईरान किर्गिस्तान स्थान वाले मिडिल ईस्ट वाले में बहुत ज्यादा था, वहीं पर हम नॉर्दर्न बेल्ट इंडिया की बात कर लें थोड़ा सा पोर्शन वहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको देखने को मिला था, ठीक है। खैर आपको मैप में आपको दिख ही जाएगा। फिर अगर हम इसकी बात करें तो बुबोनिक प्लेग जिसका नाम है रेयर, एक क्या बोलते हैं जूनोटिक डिजीज है, क्या जूनोटिक डिजीज को बोला जाता है, एक रेयर जूनोटिक डिजीज है, इज वन ऑफ द डेडलीस्ट एपिडेमिक्स इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। जैसे अभी कोरोना वो पैंडेमिक है, ये महामारी थी, एपिडेमिक था, पर ये आज तक का डेडलीस्ट माना गया, पैंडेमिक तो नहीं पर एपिडेमिक होता था, महामारी थी, ठीक है। तो एपिडेमिक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड इसको बोला गया। स्प्रेड कहां हुआ था मैंने आपको बता दिया था, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं यहां पे ब्लैक सी अगर आपको दिख रहा होगा, यहां पे लोकेशन आपको पता चल रही होगी, आप मैप में देख लें कहां पे स्प्रेड हुआ था इसका मेजर एरिया ब्लैक डेथ का, आपका स्प्रेड था, द ब्लैक डेथ वाज कॉज्ड बाय येर्सिना पेस्टिस, बैक्टीरियस बैक्टीरियम एक नाम है इसका, बैक्टीरिया से स्प्रेड होता है, किससे आपको डिजीजेस के पूछ सकते हैं कि किससे स्प्रेड होता है, क्या स्प्रेड होता है। तो एक तरीके से आपको ये पता लग जाता है कि कहां कहां स्प्रेड हुआ था। तो अगर मैं बताऊं एक तरीके का क्या, बैक्टीरिया से स्प्रेड हुआ था, याद रखना कि बैक्टीरियल स्प्रेड था ये, ठीक है, वायरस नहीं था, बैक्टीरिया से स्प्रेड था, इसका नाम था बैक्यूलस बैक्टीरियम। सो द वाइट पेस्ट वाज स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड फ्लीस, इन्फेक्टेड फ्लीस जैसे मैंने आपको पिक्चर दिखाई ना ऊपर, ये इन्फेक्टेड थी फ्लीस, तो एक जगह से उड़ेंगे तो ऑब्वियसली लेके जाएंगे, इन्फेक्टेड फ्लीस थी इससे स्प्रेड हुआ था, ठीक है, जो आपको पिक्चर दिख रही है, ठीक है, इन्फेक्टेड फ्लीस से, ठीक है। अभी कैसे हुआ था मैंने आपको बता दिया कि फ्लीस से हुआ था, दैट वाज कैरिड बाय रोडेंट होस्ट, एक रोडेंट होस्ट था, मतलब आपको पता है पेस्टिस किसी बॉडी के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे क्रिएट करते हैं इस तरीके से होस्ट, जिसको बोलते हैं होस्ट के तरीके से, होस्ट मतलब होस्ट क्या होता है कि बुलावा देना, तो इनके थ्रू आप बोलो कि वहाँ स्प्रेड हुआ था। इट स्प्रेड टू ह्यूमन पॉपुलेशन हु एट सम पॉइंट ट्रांसमिटेड इट टू अदर्स ईदर थ्रू द वेक्टर ऑफ अ ह्यूमन फ्लू और डायरेक्टली थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, या तो कहीं को किसी से स्प्रेड हुआ या तो डायरेक्टली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस से वैसे डायरेक्टली स्प्रेड हुआ, ठीक है। इसके सिम्टम्स अगर हम बात करें क्या क्या सिम्टम्स थे इसकी, इसको देख लो ढंग से, आप भूलोगे नहीं ब्लैक डेथ सिम्टम्स की बात करूँ, क्या सिम्टम्स थे इसमें, तो इसमें क्या देखा जाता था कि आपको
बहुत ज्यादा बुखार होगा, इंटेंस फीवर होगा, जॉइंट पेन होगा, या फिर वॉमिटिंग भी हो सकती थी, ब्लड खून की उल्टियां भी इसमें देखी जाती थी, ठीक है। और आफ्टर द इनिशियल इफेक्ट अगर मैं बोलूँ कि इन्फेक्शन के बाद का जो साइड इफेक्ट है उसके बाद का क्या दिखाने को मिलता था, देखने को कि मोस्ट जो विक्टिम थे वो कम से कम मतलब 2 से 7 दिन के अंदर अंदर उनकी जान भी चली जाती थी, डेथ भी हो जाती थी, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये प्लेग जो इसको PLA बहुत फेमस है ना, PLAGV, तो ये सब कॉजेस क्या थे, मतलब अगर हम बात करें तो स्वेयर स्वेलिंग हो जाती थी, स्वेलिंग मतलब फुल ज्यादा स्वेलिंग हो जाती थी इन दी ग्रोइंग एंड दी आर्मपिट या लिम्फ नोड्स के आसपास, विच टेक अ सिकनेस ब्लैक कलर, और जहां पे सूजता था वहां पे ब्लैक कलर हो जाता था, ठीक है। इसलिए इसका नाम ब्लैक डेथ, बुबोनिक प्लेग का नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ब्लैक डेथ भी इसको बोला जाता है, और सिकनेस इज द ब्लैक कलर, हेंस द नेम इटसेल्फ इज डिराइव्ड फ्रॉम देयर, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, अब देख लेते हैं जल्दी से। ये हमारा आर्टिकल रिलेटेड बिमस्टेक टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है मेरे में, आप देखेंगे तो उसमें जब मैंने कोलैबोरेट किया था उसमें था, अपन इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं, चलिए कंपाइल तो कर ही रहे हैं तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या है। बिमस्टेक यूनिट कैबिनेट था ना, जो चेयर बाय PM हैज अप्रूव्ड अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको MOEA बोलते हैं, मेमोरेंडम, ठीक है। क्या है इसका फुल फॉर्म, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाय इंडिया फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बिमस्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी, जिसको हम बोलते हैं TTF करके भी बोलते हैं, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी TTF बिमस्टेक के अंडर ही होता है। ये क्या था इसके, ये जैसे आपको दिख रहा होगा ना ऑब्जेक्टिव, क्या इसका बिमस्टेक TTF का मैंने फुल फॉर्म बताया इसका आपको, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी, ठीक है। अब इसके बारे में अगर हम पढ़े तो क्या है इसका बैकग्राउंड, आप जान लो कि क्या है क्या नहीं। जो बिमस्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है ना, जिसको TTF भी बोला जाता है, एक एग्रीमेंट है जो कि साइन हुआ था, और इनकी जो मेंबर्स कंट्री थी वो थी एट द साइन मेंबर कंट्री एट द 5th बिमस्टेक समिट हेल्ड एट कोलंबो, दिख ही रहा होगा यहाँ पे, कोलंबो दिख रहा है आपको, कोलंबो में ये साइन दिखा देती हूँ आपको, जैसे हेडलाइन में आपको दिखा हुआ है, एट कोलंबो में साइन हुआ था, 5th बिमस्टेक समिट हेल्ड एट कोलंबो श्रीलंका ऑन 30th of March 2022। अभी ये मतलब जो रिसेंटली आप बात करें 2022 में कोलंबो मतलब श्रीलंका, अभी से कैपिटल आप जयवर्धन बोल सकते हो, कि कई लोग बोलेंगे कि ये तो है ही नहीं, चेंज हो गई या जयवर्धन थी, बट यहाँ सिलोन है, कहने का मैं आपको बता रही हूँ कि श्रीलंका से इसका तात्पर्य है, ठीक है, लेना देना इसका श्रीलंका से। तो क्या था इसके बारे में आइए इसको देख लेते हैं, अच्छा इसको पढ़ लेते हैं कि क्या है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसके अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो, क्या है क्या है। तो डोंट वरी, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, पर आपको समझने पर ध्यान देना चाहिए, जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए ज्यादा। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जैसे कि आप मेन ऑब्जेक्टिव आपको दिख ही रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, ठीक है, टू कोऑर्डिनेट फैसिलिटेट एंड स्ट्रेंथन कोऑपरेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना अमंग द बिमस्टेक मेंबर स्टेट्स बाय प्रमोटिंग द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, और शेयर भी करें एक्सपीरियंस को, कैपेसिटी भी बिल्ड करें, ठीक है। और इसी अगर बोर्ड की अगर बात करूँ कि गवर्न बोर्ड कौन है, इसका गवर्निंग बॉडी है, इसको बात करें बोर्ड कौन सा, तो TTF शैल हैव गवर्निंग बोर्ड एंड द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द TTF शैल बी वेस्टेड इन द गवर्निंग बोर्ड, दिस गवर्निंग बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ 1 नॉमिनी फ्रॉम ईच मेंबर, जितने मेंबर होंगे उसका एक नॉमिनी होगा, ये गवर्निंग इसका बोर्ड है एक तरीके से, ठीक है, इस तरीके से काम करता है, ओवरऑल कंट्रोल करता है एक्टिविटीज को, ठीक है। दिस गवर्निंग बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ 1 नॉमिनी फ्रॉम ईच मेंबर स्टेट, जितने भी आपके एक मेंबर स्टेट है ना, जैसे जितने भी कंट्रीज में बिमस्टेक में है उसका एक नॉमिनी होगा। तो एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा इसका TTF का, बिमस्टेक आउट TTF इसको बोलते हैं, इससे आपका डेटा बैंक ऑफ टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल होगा कंट्री को, डेटा बैंक हो जाएगा एक तरीके से, डेटा आपके पास डेटा बैंक जैसे आप बोलते हो। फिर आपका क्या हो जाएगा इसमें, रिपोजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन गुड प्रैक्टिसेस इन द एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैनेजमेंट स्टैंडर्ड एक्सेलरेशन टेस्टिंग द कैलिब्रेशन फैसिलिटीज एक्सेट्रा, तो मतलब सब कुछ आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड घूमेगा इधर उधर, आपको पता ही होगा। कहने का तात्पर्य कि कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग आप बोलो कैसे, कि बाय शेयरिंग द एक्सपीरियंसेस एंड गुड प्रैक्टिसेस इन द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी प्रैक्टिसेस की भी जरूरत है, तो कैपेबिलिटी या कैपेसिटी बिल्डिंग होगी आपकी। फिर आपका ट्रांसफर एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी होगा अमंग बिमस्टेक कंट्रीज, ठीक है, बिमस्टेक कंट्रीज में आपको बताया कौन कौन सी कंट्रीज है, मैं दोबारा तो उसको बताना चाहूंगी, मैं पहले भी बता रखा है इसका बिमस्टेक, चलो फिर बताई देती हूँ आपको कंट्रीज कौन कौन सी बिमस्टेक कंट्री में, आप ध्यान से सुनिए। जो इसके जो 7 मेंबर्स है कंट्रीज का, पहले जो 5 थी वो पहली फाउंडिंग मंथ इसका नाम था, 5 कंट्रीज इसकी थी, 5 फ्रॉम साउथ एशिया से थी, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका, एंड 2 फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग म्यांमार एंड थाईलैंड। तो या तो 5 जो आपकी थी, जो 5 कंट्रीज जो थी आपकी, वो थी आपकी साउथ एशिया से, कहां से, साउथ एशिया से थी, नेमली जिसकी मैं बात करूँ इंक्लूडिंग बांग्लादेश भी थी इसका पार्ट, बांग्लादेश बिमस्टेक का पार्ट है, भूटान बांग्लादेश भी याद रखना, बांग्लादेश भूटान इंडिया एंड नेपाल, ठीक है, एंड श्रीलंका, मतलब आपके आस पड़ोसी हैं, सिर्फ पाकिस्तान है क्या, नहीं, अफगानिस्तान है क्या, नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ इसके 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया है, इंक्लूडिंग म्यांमार भी इसको बाद में, म्यांमार एंड थाईलैंड, ठीक है, तो ये 7 कंट्रीज हैं इसकी बिमस्टेक के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, ये आपका रिलेटेड है ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं, साइंस एंड टेक से रिलेटेड या ज्योग्राफी से रिलेटेड बनता है क्वेश्चन, ठीक है। तो रिसेंटली आप सभी को पता हो कि आपने स्ट्रॉबेरी मून देखा, ठीक है, जो कुछ इस तरीके से दिखता है, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रॉबेरी मून, खाने वाली स्ट्रॉबेरी नहीं, बट उसका कुछ इस कलर दिखता है, सुपर मून आपको पता होगा, पर ये स्ट्रॉबेरी मून है, सुपर मून इसको बोलते हैं वैसे। तो इससे रिलेटेड आपका आर्टिकल है, चलिए इसको देख लेते हैं कैसे, पिक्चर मैंने आपको दिखा दी, इसको स्ट्रॉबेरी मून भी बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्या रीजन है बताती हूँ आपको। स्ट्रॉबेरी मून सभी वर्ल्ड वाइड देखा गया, द टर्म जो है ना, ये टर्म जो स्ट्रॉबेरी मून जो टर्म है, ये इसको हम सुपर मून भी बोला जाता है, सुपर मून भी इसको बोला जाता है, वॉज कॉइंड बाय एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर थे किनके नाम से पढ़ा, ये रिचर्ड नॉले इन 1979, क्या नाम बताया मैंने आपको, रिचर्ड नॉले के नाम से 1979, कब पढ़ा नाम, 1979 में पढ़ा, किसके नाम, किसने नाम दिया था ये सुपर मून वाला, किसके नाम से, रिचर्ड नॉले, ठीक है। तो सब नेटिव अमेरिकन जो थे, ट्राइब कॉल्ड दी फुल मून, जो कुछ इसके नेटिव अमेरिकन थे, उन्होंने इसको बोल दिया फुल मून, नेटिव अमेरिकन जिसका नाम था, उन्होंने इसका नाम दे दिया
उसको बोलने लग गए फुल मून, ठीक है, याद रहेगा फुल मून उसको बोलने लग गए, ठीक है, स्ट्रॉबेरी मून को ही दिस फुल मून, बिकॉज इट्स सिंगल द टाइम फॉर गैदरिंग राइपनिंग स्ट्रॉबेरीज एंड अदर फ्रूट्स, बिकॉज उस टाइम पर होता था जब उनका राइपनिंग का टाइम आता था स्ट्रॉबेरीज का और फ्रूट्स का, और देखने में भी कुछ वैसा दिखता था आपको सुपर मून, तो उसका नाम स्ट्रॉबेरी मून भी रख दिया नेटिव अमेरिकन ने, अगर हम इसकी बात करें। अच्छा, इसकी हम बात करें कि कब अकर होता है, कैसे अकर होता है, एपी की क्या होता है, पेरी क्या, शक्ल से दिखी रहा ना, अगर हम इसकी देखें, इसकी पिक्चर देखें फेस, तो खैर क्या, तो ब्लड मून भी इसको बोला जाता है, स्ट्रॉबेरी मून भी इसको बोला जाता है, ब्लड मून भी बोला जाता है, स्ट्रॉबेरी मून भी बोला जाता है, नाम मैंने आपको बता दिया नेटिव ऑफ अमेरिकन से आया। अब इसकी एक टर्म है आपको याद रखना कि क्या है कितना है, मैं बताती हूँ आपको, तो इट अकर्स व्हेन अ फुल मून कोइंसिडेंस विद द मून्स क्लोजेस्ट अप्रोच टू अर्थ इन इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑन अ पॉइंट एज पेरिगी। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सुपर मून जो चांद है कुछ ज्यादा बड़ा दिखता है, एक्स्ट्रा बड़ा दिखता है, वो रीजन क्या है, बिकॉज और उस कलर का दिखता है क्योंकि जब आप देखोगे कि वो पेरिगी होता है, पेरिगी क्या होता है ये देखिए, ये मून एक कंडीशन में अर्थ से इसका डिस्टेंस सबसे कम होता है और वो अर्थ के साथ बहुत पास होता है मून इस वक्त, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में मूव करता है चांद, जितना जब दूर होगा उसको बोलते हैं एपोगी, तो एपोगी का मैक्सिमम डिस्टेंस आपका होता है 405500 किलोमीटर और यहाँ पे आपका सबसे कम डिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है 36300, डिस्टेंस नहीं पूछते आपको लेकिन आपको पता होना चाहिए टर्म्स क्या है, पेरिगी सबसे पास जब अर्थ के मून होता है और एपोगी जब चांद अर्थ से बहुत दूर होता है, जब अर्थ के ऑब्वियसली बहुत पास आएगा तो बहुत बड़ा दिखेगा आपको मून और बहुत स्ट्रॉबेरी कलर का दिखेगा, जिसको नाम तो मैंने खराब आपको बता दें कहाँ से आया नेटिव से, क्योंकि उस वक्त राइपिंग होती थी उसकी, मतलब उस वक्त उसको फसल जिसकी आप बात कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी की होती थी, और साथ में ये रीजन था, ठीक है, इसका मेन रीजन यहाँ से था कि क्यों बोला जाता है इसको ऐसा, ठीक है, देख लेगा एपोगी पोगी, एपोगी एंड पेरिगी, ठीक है, डिस्टेंस आप देख लें जैसे मैंने आपको बताया माइल्स में या किलोमीटर में देखेंगे तो डिफर करेगा, आप ये ना बोलें कि मैंने गलत पढ़ा दिया कि यहाँ पे आप बोल रहे हैं यहाँ पे किलोमीटर है 363 कुछ बताया था, हमें तो वही टर्म फिगर याद कर लिया, और यहाँ पे आप बोलो कि यहाँ पे अलग, बट टर्म से आपको मतलब ये मैं कन्वर्ट करने के लिए मैंने पहले बताया आपको डिस्टेंस सिर्फ ये पूछा नहीं जाता कितना है, बट फिर आपको पता होना चाहिए कि टर्म क्या पड़ेगी, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू मून इज नोन एज पेरिगी एंड द एपोगी इज द मैक्सिमम डिस्टेंस को बोलते हैं, उसको एपोगी बोलते हैं, ठीक है, आई थिंक बहुत ईजी इतना है नहीं, तो आपको ये पता होगा ड्यूरिंग एवरी 27 डे ना जब ये अर्थ के अराउंड करता है तो मून रीचेस बोथ इट्स पेरिगी अबाउट 23 माइल डिस्टेंस, मैंने आपको बताया तो 26 बोल सकते हैं इसको पाओगी माइल्स अवे फ्रॉम द अर्थ, तो सुपर मून इज एन ऑफिशियल एस्ट्रोनॉमिकल टर्म, सुपर मून अगर हम बोले तो प्योर एस्ट्रोनॉमिकल टर्म नहीं है जिसको हम बोला जाता है, ठीक है, इट इजंट एन ऑफिशियल टर्म बट टिपिकली इट्स यूज टू डिस्क्राइब अ फुल मून दैट कम्स विद इन अ लीस्ट 90% ऑफ पेरिग्री, फुल मून का टर्म ये है कि 90% जैसे आपका हर महीने के 27th डे में आपको पता होगा ना, जैसे हम पूर्णिमा बोलते हैं चांद बहुत बड़ा हो गया बुध पूर्णिमा, वो तो जो महीने में लोग आते हैं, लेकिन ये क्या होता है हर 90 दिन के बाद, जब 90 दिन के बाद जब पेरिग्री होता है ना, मैक्सिमम हम 90 दिन या 3 महीने का टाइम पीरियड मानते हैं, उसमें हमें टर्म देता है सुपर मून या ब्लड मून भी बोलते हैं उसको, सुपर मून जब चांद पास आता है 2-3 महीने में, उसमें भी सबसे पास जो क्लोजेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं ब्लड मून, तो नहीं स्ट्रॉबेरी मून उसको टर्म दी जाती है एपोगी की, ठीक है, सॉरी पेरिगी मतलब पास में आना, ठीक है, पेरिगी की याद रखना 90 दिन के आसपास ऑलमोस्ट, उसमें भी ऐसे तो हर महीने आपका चांद आता है पास में दूर जाता है फिर ऐसे, लेकिन उसमें 90 दिन, ठीक है, तो सुपर मून ऑफिशियल टर्म नहीं, आपको समझ में आ गया, ठीक है, एटलीस्ट 90% ऑफ द पेरिगी इसको बोला जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, आपका मैंने डिस्कस भी किया था आपका था होली रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जो आपने रिसेंटली पढ़ा हुआ कि मंगोलियन में चला गया था, बट वो मैंने आपको बताया था मंगोलियन में काफी कजाकिस्तान वाली हुई थी, लेकिन वो तो खैर आपकी ड्रिल आर्मी ड्रिल थी उसका तो अलग ही टॉपिक है, जॉइंट एक्सरसाइज थी जो लद्दाख में थी जिसको एक्स खान करके बोला गया था, बट उसके अलावा आपका मंगल न्यूज में था मंगल, तो वो क्या था कि मैंने पहले ही बता दिया हुआ करंट अफेयर में, मैं फिर से डिस्कस करूँ कंपाइलेशन या भी नहीं, 2 दिन पहले का करंट अफेयर मैंने कंपाइल किया किसी ना किसी में लिख दे दूंगी, पर आप उसमें देखना मैंने बता दिया हुआ था कि बुद्ध के जो अवशेष थे वो वहां ले जाए गए थे मंगोलिया में, तो खैर इसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आपको पता है कि न्यूज में क्यों जैसे बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं ना, हाँ वहीं से आप याद रखना 4 होली रिलिक्स ऑफ बुद्धा लॉर्ड बुद्धा, तो क्या था 4 होली रिलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा आर बीइंग टेकन फ्रॉम इंडिया टू मंगोलिया, इंडिया से मंगोलिया लेके गए फॉर 11 डे एक्सपोजिशन प्रदर्शनी के लिए 11 दिन की, ठीक 11 दिन की प्रदर्शनी के लेके गए इसको टू कंसाइड विद मंगोलियन बुद्धा पूर्णिमा सेलिब्रेशन, जैसे आपको पता है बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेशन इंडिया में बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया जाती है और जहां जहां बुद्धिस्ट कल्चर है वहां पर भी सेलिब्रेट किया, बुद्धा का आपको पता है कि इंडिया से ही रोज निकले हुए थे, ठीक है, द होली रिलिक्स विल बी डिस्प्ले एट दी कहां पे डिस्प्ले किया था इसका बात्सगान BATSAGAN उसको पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करेंगे पर मैं तो उसको प्रोनाउंस कर रही हूँ बात्सगान, ठीक है, टेंपल था वहां पे विद इन द प्रेमिसेस ऑफ गंदन मॉनेस्ट्री इन मंगोलिया, मंगोलिया की बात है ये क्योंकि तभी आपको ऐसे टर्म सुनने को मिल रहे हैं, इंडिया में होते कुछ जाने पहचाने नाम होते तो, ठीक है, इंडिया दीज होली बुद्ध रिलिक्स आर करंटली हाउस इन नेशनल म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम में करंटली थे, दीज रिलिक्स आर नोन एज द कपिल वस्तु रिलिक्स, जैसे आपको पता है कपिल वस्तु रिलिक्स इंडिया में किस नाम से जाने जाते हैं कपिल वस्तु रिलिक्स, ठीक है, कपिल शर्मा का शो याद रखना कपिल वस्तु रिलिक्स, ठीक है, कपिल वस्तु रिलिक्स, ठीक है, बोला जाता था मतलब उनके अवशेष, जैसे आपको पता है जो स्तूप से बुद्धा के वहां पर उनके अवशेष रखे गए थे जैसे, ठीक है, उस स्तूपा के अंदर रखे जाते हैं, वो तो कुछ इंडिया में है जो कुछ उनके ग्रुप्स के थे, इसके पीछे अटैक भी है काफी सारे, आप उसमें नहीं जाओगे ना हिस्ट्री पे, वो कुछ बुद्ध उन्होंने मांगे थे कि आप रख लो फिर इंडिया ने प्रिजर्व करके रखे, तो जिन्होंने प्रिजर्व करके रख लिया तो आज तक प्रिजर्व है, तो मंगोलिया ने भी मांगे कि हमें थोड़ी देर के प्रदर्शनी के लिए दिया जाए जहां जहां बुद्ध कल्चर है, तो खैर इसका रिलीजियस इन्फ्लुएंस है, तो इस तरीके से आपके मतलब कंट्री टू कंट्री रिलेशन डिप्लोमेटिक रिलेशन भी काम आते हैं, तो खैर हम इसकी बात करते हैं आगे क्या है, तो इंडिया दीज इंडिया के अगर हम बात करें गंदन मॉनेस्ट्री में मंगोलिया, इंडिया दीज होली बुद्ध रिलिक्स आर करंटली हाउस ऑफ द नेशनल म्यूजियम कपिल वस्तु, मैंने आपको बताया रिलिक्स है, सिंस दे आर फ्रॉम अ साइट इन बिहार फर्स्ट डिस्कवर इन 1898, बिहार में फर्स्ट बार कब डिस्कवर हुए थे ये 1898 में, और वहीं पे आपकी जगह भी कपिल वस्तु सिटी जिसको आप बोलते हो कपिल वस्तु के नाम से फेमस है, ठीक है, तो अगर हम उसको बात करें कि सेक्रेड रिलिक्स ऑफ बुद्ध के क्या है ये, तो आपको पता है कि एट द एज ऑफ 80 बुद्धा ने क्या किया था कि अटेन किया था सैल्वेशन, जिसको हम बोलते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है, सैल्वेशन, और वो कहां पे क्या था उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में,
कहाँ पे किया था, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे किया था, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में 1989, याद रखना, कपिल वस्तु मैंने आपको बता दिया कौन सी आई है, कुशीनगर, ठीक है। अब आपको पता है एट द एज ऑफ 80, ठीक है, बुद्धा अटेंड सेलिब्रेशन इन उत्तर प्रदेश कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट। सो द मालास ऑफ कुशीनगर क्रिमेटेड हिज बॉडी विद सेरेमनीज बिफिटिंग अ यूनिवर्सल किंग। उन्होंने इसको इस तरीके से, उनका कुशीनगर में जो मालास थे उन्होंने इसको क्रिमेट किया, ठीक है। मालास ऑफ कुशीनगर क्रिमेटेड हिज बॉडी विद द सेरेमनीज बिफिटिंग अ यूनिवर्सल किंग। तो अब इनके रिलिक्स की अगर हम बात कर लें आगे, तो क्या है, हिज रिलिक्स फ्रॉम द फ्यूनरल पायर वर कलेक्टेड एंड डिवाइडेड इनटू 8 शेयर्स। इनके जो रिलिक्स थे वो 8 भागों में एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, बांटे गए, जो कि अमंग दी अजातशत्रु, जो आपने सुना होगा अजातशत्रु के जो मगधा के थे, और जो लिच्छवी थे ना, लिच्छवीगण और वैशालीगण, शाक्य थे, कपिलवस्तु थी, मालास ऑफ कुशीनगर, बुलिस ऑफ अलकपाला, द मालास ऑफ पावा, द कोलियास ऑफ रामगर्मा एंड ब्रह्मण ऑफ वेदीपाथा। द पर्पस वॉज टू इरेक्ट स्तूपास ओवर द सेक्रेट रिलिक्स। जैसे आपको पता स्तूपास इस एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, तो ये बन जाता है इंपॉर्टेंट। तो स्तूपास में ये ऐसे करके डोम स्ट्रक्चर होता है ना, तो 8 पार्ट में डिवाइड किया, उसको याद रख लेना, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा, आप टेंशन वाला पीडीएफ की, आप बस समझें कि स्टोरी की तरह की क्या हुआ था। तो पर्पस क्या था इसका, तो पर्पस वाज टू इरेक्ट स्तूपास ओवर द सेक्रेट रिलिक्स, ठीक है, समझ में आ गया आपको। फिर स्तूपास क्या था, इरेक्टेड ओवर द बॉडी रिलिक्स ऑफ बुद्धा, इसको हम सारिका स्तूपा भी बोला जाता है, एट द अर्लीस्ट सर्वाइविंग बुद्धा श्राइन्स। स्तूपा बहुत टाइप के मिल जाएंगे आपको, कोई स्तूपा की बात करें कुछ इस तरह के स्तूपास थे सारिका, कुछ कुछ स्तूपा आपको बड़ी बिल्डिंग इस तरह के दिखेंगे इंडिया में, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर के स्तूपास आपको देखने को मिलेगा। स्तूपास में होता क्या था, बेसिकली बुद्धा जी के जो रिलिक्स रखे हुए वो है सेक्रेट रिलिक्स, ठीक है, ये कहने का मतलब। अब हम इसकी थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में आ जाए यहाँ पे, सो द स्तूपा इरेक्टेड ओवर द बॉडी रिलिक्स ऑफ बुद्धा, सारिका स्तूपास आर द अर्लीस्ट सर्वाइविंग बुद्धिस्ट श्राइन्स। सबसे ज्यादा अर्लीस्ट श्राइन्स अगर बात करूं तो कौन सी है, सारिका, सारिका स्तूपास, ठीक है, याद रखना है इसको। फिर इट इज ऑल्सो सेड दैट द अशोका, अशोका की अगर हम बात करें, ये बोला जाता है कि 272 से लेकर 232 बीसी क्या किया उन्होंने, बीइंग एन एरोगेंट फॉलोअर बुद्धिस्ट थे वो तो मानते ही थे, हमें पता है, और उन्होंने क्या किया कि ओपन किया काफी सारी, अप टू 7 और 8 स्तूपास आर कलेक्टेड, उन्होंने कलेक्ट किए, एंड मेजर पोर्शन ऑफ द रिलिक्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट विद द 84,000 स्तूपास बिल्ड बाय हिम। कितने, 84,000 स्तूपास बिल्ड बाय हिम इन एन एफर्ट टू पॉपुलराइज बुद्धिज्म एज वेल एज द कल्ट ऑफ द स्तूपा। तो ये सारा श्रेय अगर हम बोले, अगर गलत नहीं हुआ बोले कि अशोका को जाता है, क्योंकि उन्होंने बाद में इसका प्रचार प्रसार भी करवाया था, जो चाइनीज आजकल बुद्धिस्ट करते हैं वो कल्चर अगर वो देखा जाए तो कहां किसकी देना, अशोका या बात करें इंडिया की, वहीं से ट्रांसफर हुआ 84 स्तूपास और माजन को उन्होंने बिल्ड किया जस्ट टू प्रमोट द कल्ट ऑफ द स्तूपा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कपिलवस्तु की, हाउ आर द कपिलवस्तु रिलिक्स डिस्कवर्ड, कैसे डिस्कवर हुए थे कपिलवस्तु में, क्या था क्या नहीं, थोड़ा हिस्टोरिकली इसकी बात कर लें। कपिलवस्तु वाज एन एंशिएंट सिटी ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विच वाज द कैपिटल ऑफ द क्लैन ऑफ द शाक्यास। शाक्या क्लैन जो था उसकी ये क्या बोले, एक तरीके से उस क्लैन की कैपिटल हुआ करती थी, कौन सी सब कॉन्टिनेंट को माना जाता था, कपिलवस्तु, ठीक है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट की अगर हम बात करें, सच एज पाली कैनन थेरवादा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन क्लेम दैट कपिलवस्तु वाज द चाइल्डहुड होम ऑफ गौतम बुद्धा। ऐसा भी कहा जाता है कि उनका बचपन का चाइल्डहुड घर इनको एक तरीके से बोला जाता था, माना जाता है ऐसा, पता नहीं था कि नहीं, अब ऐसा देखा हुआ, मतलब ऐसा हमें जानकारी मिलती है। ऑन एन अकाउंट इट इज बीइंग द कैपिटल ऑफ द शाक्यास ओवर होम हिज फादर रूल्ड शाक्यास। अब इसी से अब इतना डिटेल में हम जाएंगे नहीं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसी से रिलेटेड क्या है कि आपका, आपको पता है कपिलवस्तु लुम्बिनी है, सारे आपको प्लेसेस पता होने चाहिए, शाक्या गणा कपिलवस्तु लुम्बिनी इंपॉर्टेंट प्लेस है, एट द एज ऑफ 29 गौतम लेफ्ट हर होम रिजेक्टेड एंड लाइफस्टाइल एंड ऑल दैट, आपको पता होगा ये सब, ठीक है। तो 5वीं 5th BC की अगर हम बात करें तो तब का है, फिर उनको वहां पे कुछ क्वेश्चन थे, प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हुए हैं, पूछा गया हुआ कि सब बुद्धिस्ट रॉक्स कट केव्स आर कॉल्ड चैत्यास। तो आपको पता होगा चैत्यास और विहारास में क्या डिफरेंस है, कि आपको पता है सीजन में जब बुद्धिस्ट जो जाते हैं मॉनेस्ट्रीज में उनको रुकने की जगह चाहिए होती है, तो विहारास और चैत्यास उनको नाम बोला जाता है। आपको एक जो असेंबली टाइप होती है डिफरेंस है, एक असेंबली टाइप होता है और एक रहने की जगह होती है, उसको चैत्य विहारास बोला जाता है, तो डिफरेंस है दोनों, दोनों सेम नहीं है। तो खैर उसके हम बात करते हैं, क्वेश्चन है सब बुद्धिस्ट रॉक्स कट केव आर कॉल्ड चैत्यास व्हाइल द अदर आर कॉल्ड विहारास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। जैसे मैंने आपको बताई दिया ऑलरेडी, अब यहाँ पे आंसर आपका मैं बता देती हूँ आपको, पर इससे पहले आप ऑप्शन चेक कर लिए। ऑप्शन क्या, विहार एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल चैत्य इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क्स, क्या ये सही है, नहीं, चैत्य एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल विहार इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क्स, क्या ये सही है, लग रहा है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, चैत्यास इज द स्तूपा एट द फार एंड ऑफ द केप वाइल विहार इज द हॉल एक्सेल टू इट, क्या ये सही है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको पता चाहते तो स्तूपा नहीं, तो ये अलग से है, मैंने आपको रीजन बता दिया। देर इज द नो मटेरियल डिफरेंस बिटवीन द टू, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो दो तो होंगे। तो आपका राइट आंसर क्या है, चैत्या एंड विहार, चैत्या क्या की एक जगह थी प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल विहार इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क्स, ड्वेलिंग मतलब बारिश में रुक जाते थे उनके लिए, केव काट काट के बनाई जाती थी चैत्य विहारास, याद रखने से कुछ क्वेश्चन आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, वो है आपका अटलांटिफिकेशन हो रहा है सी का, तो चलिए देख लेते हैं कैसे। पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं है आपको। विहार है जो संस्कृत वर्ड, जैसे आपको पता होगा संस्कृत उसको पाली और संस्कृत प्रकृति थी लैंग्वेज, तो पाली टर्म फ्रॉम बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, इट इज ओरिजिनली मींस की सेक्युलर प्लेस टू वॉक एंड रेफर टू ड्वेलिंग एज यूज्ड टू वैंडरिंग मॉन्क्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जैसे मैंने आपको बताया, मैं बार बार बता रही थी आपका। चैत्य क्या है, इट्स अ बुद्धिस्ट श्राइन और प्रेयर हॉल, चैत्य जैसे हम असेंबली बोलते हैं तो वो चैत्य हो गए, विहार है आपके जैसे उठने की जगह, तो ये थोड़ा डिफरेंस था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, वाइन न्यूज क्या है क्या नहीं, हम इसको देख लेते हैं। अटलांटिफिकेशन हो रहा है बैरेंट्स सी का, बैरेंट्स सी का अटलांटिफिकेशन हो रहा है, बोलोगे बैरेंट्स सी है क्या, पहले ये तो देख लें कि लोकेशन कहाँ पे है इसकी, आपको पता होना चाहिए ये कुछ। आप लोकेशन आप इसके पहले मैप देख लो अच्छे से, ये नॉर्थ सी रूट है आपका, ये डेनमार्क है, ये नॉर्वे है, ये कनाडा है, इसको आप अच्छे से देख लो पहले नॉर्थ वेस्ट पास, फिर मैं बताती हूँ आपको सेलेक्ट क्या है, ठीक है। लोकेशन आए हो आपने देख ली होगी, आपको समझ में नहीं आ रहा है, नॉर्थ अटलांटिक जो आपका आर्टिक वाला रीजन है, जैसे आपको दिख रहा है अलास्का, वर्ल्ड का अगर ऊपर से देखें ना ऐसे दिखेगा, आप लोग यहाँ बैरेंट्स सी का ध्यान से देखो, आप ये दिख रहा है आपको, ये आपको अगर मैं दिखाऊँ ये दिख रहा है, इससे रिलेटेड है, ठीक है, दिख रहा है, अब दिख रहा है,
आप तो दिख ही रहा होगा ना ऑफकोर्स, बैरेंट सी, साथ में आप कंट्रीज देख लो कौन सी है, स्वीडन फिनलैंड, रिसेंटली आपने न्यूज में बहुत बार सुना होगा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, तो नॉर्वे ऐसे स्वीडन नॉर्वे ये सब चीज़ें आपको दिख रही है, ठीक है, दिख रहा है बैरेंट सी, वो आपको दिख ही रहा होगा आपको, तो ये आप ध्यान में रखें बैरेंट सी, और साथ में आप इसको ऐसे देख लें। अब रिसेंटली क्या था न्यूज में, ये है बैरेंट सी, क्यों है, क्योंकि इसका अटलांटिफिकेशन हो रहा है, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे मीठा पानी, अगर ऊपर बर्फ जमी हो तो जो बर्फ होगा वो सॉल्टी पानी तो होता नहीं है, बर्फ जहाँ पर जमी वो पानी साफ होगा, और ये बैरेंट सी का क्या हो रहा है कि अटलांटिफिकेशन हो रहा है, जैसे कि अटलांटिक ओशन आपको दिखाती है कैसे, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी इट इज स्टार्टेड इन द पार्ट्स ऑफ द आर्कटिक रीजन नियर नॉर्वे आर वार्मिंग, जो एरियाज वार्म अप हो रहे हैं, वार्म हो रहे, गर्म हो रहे हैं, और यहाँ पर बर्फ देखिए इस एरिया में बर्फ नहीं दिखने, मतलब जनरली तो कम देखने को मिल रही है, ठीक है, वार्मिंग एट मच एज मच एज 7 times द रेट ऑफ वार्मिंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जितनी बाकी दुनिया में उससे 7 गुना ज्यादा यहाँ पे तेजी से यहाँ पर बर्फ पिघल रही है, जो कि एक खतरे का निशान आपको माना जाएगा, इंपॉर्टेंट जाता है इसको ध्यान से देखें। बैरेंट सी की अगर हम बात कर लें तो बैरेंट सी बॉर्डर्स नॉर्वे एंड ग्रीन सी के बीच में, जैसे आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे बैरेंट सी की लोकेशन, अगर आप देखें दिख रहा है ना यहाँ पे, ये नॉर्वे सी है यहाँ पे, ठीक है, ग्रीनलैंड इसके साथ में ही है, तो आपको लोकेशन के आसपास का देखना पड़ता है अच्छे से, ठीक है, तो इन द वेस्ट एंड द आर्कटिक सी इन द नॉर्थ एंड द कारा सी इन द ईस्ट, द बैरेंट सी इज डिवाइडेड बिटवीन रशिया एंड नॉर्वे, रशिया और नॉर्वे के बीच में ये जो है बैरेंट सी डिवाइडेड, आप जो कैसे आप दिख रहा है, ये आ गया रशिया और ये आ गया आपका बैरेंट सी, तो नॉर्वे और इसके बीच का डिवीजन आप एक तरीके से उसको बोल सकते हैं, नॉर्वे आ गया आपका, ये नॉर्वे या रशिया, इसके बीच में कौन सा है बैरेंट सी, ठीक है, जो कि 7 गुना ज्यादा है इसकी एज कम्पेयर टू अदर वर्ल्ड पार्ट ऑफ द एरियाज, इसका 7 गुना ज्यादा जल्दी से वार्म अप हो रहा है ये एरिया, जबकि ये आर्टिक कितना पास है आर्टिक के, ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग भी आप उसको देख सकते हैं कि वो भी एक रीजन आप मानेंगे कहीं ना कहीं, तो ये इन दोनों कंट्रीज के लिए डिवाइडेड है, एंड इज डेफिनेटली बाय द एंड इज डिफाइंड बाय द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, लॉ ऑफ द सी जिसको बोलते हैं अनक्लोज करके, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बन जाता है, UNCLOS, न्यूज में भी रहा था अनक्लोज, ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं भी क्या है कैसे है पूरा का पूरा, इसको हम देखेंगे, तो आप इस पे आप पूछोगे सबसे पहले कि अच्छा ठीक है ये तो हमने देख लिया, पर ये होता क्या है, ये अटलांटिफिकेशन है क्या, और ये हमें समझ में कैसे आएगा, देखिए मैंने बताया आपको नॉर्वे सी और ये इसके बॉर्डर के पास में कारा सी, और ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज को अनक्लोज करके बोलते हैं बैरेंट सीज डिवाइडेड बाय ब्रिटेन, ठीक है, अब अगर पूछे कि अटलांटिफिकेशन होता क्या है, तो अटलांटिफिकेशन क्या है, स्ट्रीम्स ऑफ वार्मर वाटर जब आती है ना हॉटस्पॉट इसको बोलते हैं, जब वार्मर वाटर की स्ट्रीम यहाँ से आएंगी ठंडे इलाके में जाएंगी ऊपर ठंडा है, तो जब वो स्ट्रीम जब आती है ना हॉट एरिया में, मतलब हॉट एरिया मतलब कि पानी में स्प्रिंग लेके, स्ट्रीम्स ऑफ वार्मर वाटर फ्रॉम द अटलांटिक ओशन फ्लो इनटू द आर्कटिक एट द बैरेंट सी, दिस वार्मर सॉल्टी अटलांटिक वाटर इज यूजली फेयरली डीप अंडर द मोर बॉयलेंट आर्टिक वाटर एट द सर्फेस, जब आप करंट ओशन करंट सब पड़ता है ना, तो नीचे से जब गर्म पानी ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, बहुत तेज गति से आपसे पानी ठंडा ऊपर जो बर्फ जमी उसको भी पिघलेगा, साथ में टेम्परेचर तो बढ़ी रहा है, साथ में पानी भी उसका कहीं ना कहीं उसको और वार्म वाटर मिल रहा, तो उससे गर्मी मतलब अटलांटिक पानी वहाँ पर सॉल्टेड पानी जा रहा है तो खारा पानी, और उस एरिया का आपको पता है बर्फ टेम्परेचर आसानी और ज्यादा से बढ़ रहा है, ये हो रहा है वहाँ पर, ठीक है, तो सॉल्ट वाला पानी एंड यूजली फेयर डीप अंडर द मोर बॉयलेंट आर्कटिक वाटर एट द सर्फेस, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अटलांटिफिकेशन, इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं अटलांटिफिकेशन हो रहा है इसका बैरेंट सी का, किसका बैरेंट सी का, ठीक है, अब इसके बारे में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि द आइस इज नाउ गेटिंग हिट बोथ फ्रॉम द टॉप बाय ग्लोबल वार्मिंग, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बढ़ी रहा है, एंड द बॉटम, बॉटम में कैसे होगा बोलोगे, बॉटम में कहां से आ रहा है, तो बॉटम में अगर बात करो नीचे पानी से आ रहा है बाय वार्म कूलिंग, यहाँ से पानी वार्म वाटर जा रहा है ऊपर करंट में, करंट में ऊपर कहां यहां से वार्म वाटर जा रहा है इस तरफ, तो दोनों तरफ से इसका जल्दी से इसका मतलब बोलूंगे बहुत खतरे का निशान जा रहा है, अटलांटिफिकेशन हो रहा है एक तरीके से इसका, ठीक है, तो अगर आप बोलो कि रीजन क्या है इसके कारण क्या है मतलब कि क्या होगा इससे, तो इट इज द बैकग्राउंड ऑफ ऑल ऑफ दिस ग्लोबल चेंजेस की हम बात करें, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो ड्रॉपिंग ऑफ डेकेड्स से अगर हम बात करें तो आर्टिक सी आइस एक्सटेंड एंड थिकनेस हैव बीन ड्रॉपिंग फ्रॉम द डेकेड्स एज ग्लोबल टेम्परेचर राइज, और एज द आर्टिक लूजेस इट्स आइस एंड द ओशन अब्सॉर्ब्स मोर सोलर रेडिएशन, आपको पता है बर्फ जो आपकी होती है वहां पे हीट बजट अगर आपने पढ़ा होगा जोग्राफी तो वहां पे रेज जो होती है जल्दी से अब्सॉर्ब कर लेती है radiations. So that effect of the ocean circulation, weather patterns and the Arctic ecosystem spanning the food chain from phytoplankton all the way to the top predator. Phytoplankton क्या आपका एक तरीके से types हैं आपके, ठीक है, जो कि आपकी food chain को आपने पढ़ा होगा, ये हो रहा है. अब इसके consequences क्या है, मैं आपको बताया global warming हो, ये सब बहुत तेजी से होगा, फास्ट आर्टिक रीजन का अगर ये चलता है तो बहुत गंभीर बात है जो कि होनी नहीं चाहिए, बहुत तेजी से आपकी ये बढ़ रही है जो कि नहीं होनी चाहिए. अब इसी से अगर आप पीछे जेट स्ट्रीम भी इसका एक रीजन है जो आप दे सकते हो, जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, आप वो स्ट्रीम्स होती हैं कि जो वायुमंडल पे अर्थ के एटमोसफेयर पर तेज गति से चलती है, इतनी सुपरसोनिक जैसे चलती है, इसलिए जेट स्ट्रीम बोल देते हैं, जैसे फाइटर जेट चलता है, ठीक है. कोप 27 में 21 में डिस्कस किया गया था, मुद्दा फॉरवर्ड किया गया था, पर इस पर भी हम डिस्कस नहीं करेंगे. तो आगे हम इससे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में 2014 में कि द साइंटिफिक व्यू इज दैट द इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 2 degrees अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल. इफ द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज बियॉन्ड 3 degrees, 2 degrees से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, 2 degrees से ज्यादा बढ़ गया, 3 degrees हो गया अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, व्हाट कैन बी इट्स पॉसिबल योर इंपैक्ट ऑन द वर्ल्ड, क्या इंपैक्ट होगा दुनिया पे उसका, क्या टेरेस्ट्रियल जो बायोस्फीयर अगर हम बात करें, अगर हम इसकी बात करें, क्वेश्चन आप देख लें ध्यान से, क्या आपका लगता है कि टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर ट्रेंड्स टुवर्ड्स अ नेट कार्बन सोर्स, वाइड स्प्रेड कॉरल मोर्टैलिटी विल अकर, ऑल द ग्लोबल वेटलैंड्स विल परमानेंटली डिसअपीयर, वेटलैंड सारे गायब हो जाएंगे, या कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो सेलेक्ट द राइट ऑप्शन, ऑप्शन पूछा क्या ओनली वन, ऑप्शन का पूछ उसमें भी घुमा कर दिया, देखो इन दिन बहुत जरूरी थी, तो अब पूछा तो क्या इसका आंसर, क्या आंसर बना है
नहीं, क्या आंसर 1 2 3 4 है? नहीं, क्या आंसर 1 2 3 4 आपको लग रहा है? नहीं, तो आंसर राइट आंसर क्या है? बी 1 एंड 2 ओनली। पहला ऑप्शन है आपका, पहला स्टेटमेंट बोलता है कि टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड्स टुवर्ड्स नेट कार्बन सोर्स, ठीक है। और दूसरा आपका बोलता है कि वाइडस्प्रेड कोरल मोर्टैलिटी विल अकर, कोरल आपको पता है कोरल मर जाएंगे पानी के अंदर जो है, कोरल पॉलिप्स वगैरह, तो ये उसका दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो आपका है रॉक पेंटिंग से रिलेटेड। क्या है? रॉक पेंटिंग से रिलेटेड है, जल्दी से देख लेते हैं। जैसे आपको पता होगा आपने 6th क्लास की जिन्होंने एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक देखी, वहां पे आपने रॉक पेंटिंग सामने देखी होंगी, ऐसी रॉक पेंटिंग वो उस जमाने के लोग जैसे हमको दिखता था भागते हुए मोशन में दिखाते थे कि देखिए ऐसा कुछ स्थिर नहीं है पर अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, रॉक पेंटिंग करके बोला जाता है हमको, रॉक पेंटिंग से रिलेटेड, ठीक है। वॉलंटियर्स हैव स्पॉटेड रॉक पेंटिंग्स इन दी बारगुर हिल्स इरोड डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। कहां की बात चल रही है? तमिलनाडु की बात चल रही है, तमिलनाडु की बात चल रही है, तमिलनाडु के कौन से डिस्ट्रिक्ट की बात चल रही है? ये रॉक पेंटिंग कहां पर देखने को मिली है? तमिलनाडु की कौन सी जगह पर देखने को मिल रही है? दोबारा से बताऊं कहां पे हो रहा है ये पेंटिंग, अगर मैं बात करूं तो जल्दी से देख लें, ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है। ये देखिए रॉक पेंटिंग मोशन में दिख रही है ना आपको, तो यहां पे अगर हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, वॉलंटियर्स हैव स्पॉटेड रॉक पेंटिंग इन दी बारगुर, BARGUR, बारगुर हिल्स इरोड डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, तमिलनाडु की बात चल रही है। वहां पे क्या है कि 30 फीट हाई और 250 फीट लेंथ की एक पेंटिंग देखी गई है, रेड ऑर्के एंड व्हाइट कलर की, कुछ इस तरीके से रेड कलर, ये इस तरीके से देखी गई है, रेड ऑर्के व्हाइट कलर की, इज अ हंटिंग सीन, एक दिखा रहे हैं हंटिंग हो रही है यहाँ पे, हंटिंग सीन डिपिक्ट कर रहा है, इन रेड डिस्प्ले ह्यूमन फिगर्स एंड अ हर्ड ऑफ डियर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। डियर्स यहाँ पे बताया कि एक डियर है वो ऑपोजिट खड़ा है, यहाँ पे बैल है पर ऐसा कुछ दिख रहा होगा रेड कलर में, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा ना, तो ऑपोजिट टू ईच अदर, व्हाइल इन सम इमेजेस डियर ऑफ वेरियस साइजेस आर प्रेजेंटेड। बाकी दूसरी पिक्चर्स में आप देखोगे तो कहीं कहीं पे अलग अलग साइज के आपको डियर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, वेरियस काइंड्स ऑफ। सो अगर हम रॉक पेंटिंग की बात करें, एंड एंथ्रोपोमॉर्फिक पेंटिंग 4 फीट हाई, एक 4 फीट हाई मिली है वो सीन, इट लुक सिमिलर टू द मदर गॉडेस मेगालिथ स्ट्रक्चर, ये उसी की तरह दिखती है, मदर गॉडेस का आपने पिक्चर देखा होगा एंशिएंट में कि वहीं से लगता है, उसी की तरह दिखती है मदर गॉडेस की तरह, जहां पे दो डियर है और कुछ एनिमल्स है, कैन बी सीन बनीथ द लेक के नीचे उनके देखा जा सकता है। All the painting which depicts the deity blessings human with resources for hunting, ऐसा माना जा रहा है कि वो depict करता है कि जो mother goddess है वो एक तरीके से उनको मतलब एक hunting में blessings दे रही है एक तरीके से, ठीक है, ये माना जा सकता है उनका एक, ठीक है। साथ में क्या रहता है, elephant, tiger and deer paintings are seen separately while middle row has the painting of human, और middle row की बात करें तो वो elephant की अलग से बात करें, अलग से दिखे, लेकिन middle row में क्या लिखा हुआ है, humans भी देखने को मिल रहे हैं middle row में, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं humans बना दिए, ठीक है। इट कंप्राइज अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ क्रिश्चियन शेप ऑब्जेक्ट एंड सम अदर सिंबल्स, क्रिश्चियन शेप क्या होती है, ऐसा दिखा रहे हैं क्रिश्चियन शेप में वो ह्यूमन खड़ा है, चांद की क्रिश्चियन शेप दिखाती है, सिकल होती है, ठीक है। इट कंप्राइज मैन स्टैंडिंग ऑन अ क्रिश्चियन शेप ऑब्जेक्ट एंड सम अदर सिंबल्स एंड इज कंसीडर्ड टू बी अ पिक्चर ऑफ बोट राइड, ऐसा माना जा रहा है कि शायद बोट राइड की बताने का डिपिक्ट करने की कोशिश की, जैसे कि बोट हो, ठीक है। द बॉटम लेयर डिपिक्ट्स द रेशियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल विद 3 वॉरियर्स अपोजिंग 10, और कई जगह पे माना जा रहा है कि एक के साथ में 10 लोग दिखाए जा रहे हैं, कि वो डिपिक्ट करता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की एक वॉरियर है उसके साथ में 10 है, तो इस तरीके से कुछ पेंटिंग्स आई हैं, और ये कहाँ की है, बेलगुर कहाँ, तमिलनाडु में देखने को मिली है, केव पेंटिंग्स है, रॉक पेंटिंग आपको देखने को मिलता है, कहाँ पे है, दोबारा से बोल, रॉक पेंटिंग बारगुर हिल डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे है ये, तमिलनाडु में, ठीक। इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं अभी जल्दी से, क्वेश्चन क्या था आप उसको देख लें, क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कल्चर, इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द केव एट बदामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया, क्या ऐसा है क्या कि जो बदामी है वो ओल्डेस्ट है रॉक कट केव इन द इंडिया। दूसरा आर्टिकल है यहाँ पर, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए, द बर्बर रॉक कट केव्स वर ओरिजिनली मेड फ्रॉम आजीविकास बाय एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा यहाँ पे एट एलोरा केव्स वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ्स, ऑप्शन आया 1 ओनली 2 एंड 3 ओनली 3 ओनली 1 2 3। यहाँ पे क्या किया, सर बदामी का टर्म करके यहाँ पे दे दिया और यहाँ का टर्म करके यहाँ पर सिर्फ चेंज किया, वाकई स्टेटमेंट तो वही, तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे, राइट आंसर आपका क्या है, 3 ओनली, सिर्फ एलोरा का जो केव्स है वो मेड ऑफ डिफरेंट फेथ्स, ठीक। तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, आगे भी आप इसको देख लें। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जल्दी से देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपका आ रहा है वेस्ट सेती पार प्रोजेक्ट, पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है बताओ, तो इंडिया और नेपाल के बीच में 250 रखा है, किसको रिलेटेड, वेस्ट सेती पार। ये होता क्या कि पार कुछ हाइड्रो, जो आपका नेपाल वाला एरिया है, नेपाल अगर आप देखें तो बेस्ट सोर्स है किसका, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन हाइड्रो पावर का, हाइड्रो पावर का मतलब अगर आप विंड मिल कुछ लगाओ या पानी का लगाओ या पानी से रिलेटेड आप वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। बेसिकली क्या, वहाँ पे चाइना भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इंडिया भी कहता है डायरेक्टली वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ प्लांट सेट कर देता है और वहाँ से चाइना को नेपाल को हम बोलते हैं कि आप लगाइए इन्वेस्टमेंट हमारी और हम उसके बदले क्या करते हैं कि मतलब कुछ पैसे देके वो बिजली हम खरीद लेते हैं, ठीक है, वो हम ले लेते हैं। ऐसे चाइना वहाँ पे इन्वेस्ट करे तो इंटरनेस्टिकली बोला कि अगर चाइना वो कर रहा है प्लांट तो वहाँ पे उसको बाय नहीं करेंगे चाइना को, तो इस तरीके से क्या कि नेपाल पे प्रेशर बन जाता है और ये बेस्ट सोर्स है किसका, हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट को, तो ये आपका वेस्ट सिटी प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड हो गया। इसको जल्दी से कवर अप करके मैं बोलना चाहूँ तो क्या है, इंडिया विल बी टेकिंग ओवर वेस्ट सिटी हाइड्रो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट नियरली 4 ईयर्स आफ्टर चाइना, पहले ये चाइना के पास था, अब इंडिया भी यहाँ पे, पहले चाइना था इसमें, इंडिया भी वहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है, तो 4 साल के बाद प्रोजेक्ट नियरली क्या हुआ कि आफ्टर चाइनाज विद्रॉल, मतलब चाइना विद्रॉल कर लिया वहाँ से तरीके से खत्म ही हो गया, एंडिंग 6 ईयर एंगेजमेंट, 6-6 साल की जो एंगेजमेंट थी इनके साथ 2012 से 18 तक नेपाल कहीं ना कहीं, अब रिलेशन खराब तो नहीं मैं बोल सकते, लेकिन चाइना ने विद्रॉ कर लिया वहाँ से, तो क्या हुआ कि अभी
अभी क्या रिसेंटली 750 मेगावाट की जो आपकी वेस्ट सिटी हाइड्रो प्रोजेक्ट है इस प्रपोज इन वेस्टर्न डेवलपमेंट रीजन, और वहां पे आपका 3 गॉज डैम भी जो चाइना का बोला गया था वो वहां से इन्फ्लुएंशियल वहां पे भी है, वहां से नेपाल ने एक तरीके से मतलब उनको नेपाल प्रेशर बहुत आता है। तो खैर हम डिस्कस कर लेते हैं यहां पे 350 मेगावाट जो वेस्ट सिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इस प्रपोज इन फॉर वेस्टर्न रीजन, इसको बोलते हैं FWDR इन नेपाल। क्या बोलते हैं? FWDR इन नेपाल। फ्रॉम क्या है? वेस्ट फॉर वेस्टर्न डेवलपमेंट रीजन इन नेपाल। सिंस इंडिया वॉज नेपाल्स पावर मार्केट एंड इट हैड अ पॉलिसी ऑफ नॉट बाइंग पावर फ्रॉम द चाइना, जैसे मतलब चाइना से लेंगे हम लोग लेंगे तो नेपाल से लेंगे, एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट वेस्ट सिटी इज गिवन टू इंडिया। अब जो वेस्ट सिटी प्रोजेक्ट है वो इंडिया का नाम रहा, इंडिया और नेपाल, ठीक है। तो क्या है? इट विल बी हैंडल्ड बाय इंडियाज नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। अभी सीधे NHPC के अंडर आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो वेस्ट सिटी प्रोजेक्ट इज अ शॉर्टेज स्कीम डिजाइन टू जनरेट एंड सपोर्ट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू इंडिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रो याद रखना। तो इट विल जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू आउट द ईयर, स्टोरिंग एक्सेस स्टोर भी करेंगे, वेट सीजन रिवर फ्लोज इन द रिजर्वर एंड यूजिंग द वाटर टू जनरेट एनर्जी ड्यूरिंग पीक डिमांड पीरियड्स इन द ड्राई रीजन। इन 2018 द CW इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन हैड इन्फॉर्म द नेपाल गवर्नमेंट दैट इट वुड नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट। उन्होंने बोला था कि हम इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो CW क्या बोलेंगे? CW क्या होता है, एक तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट है, कॉर्पोरेशन है ना, सब्सिडरी ऑफ चाइना, 3 गॉज कॉर्पोरेशन की आप बोलो कि CWC उसकी वो है, सब्सिडियरी इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है। तो उसको क्या था कि 2018 में इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने हैड इन्फॉर्म द नेपाल गवर्नमेंट दैट इट वुड नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। वैसे की प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, अदर नेपाल प्रोजेक्ट हमारे पास अंडरटेकिंग चल रही है, उसकी अंडरटेकन है बाय इंडिया आर दी महाकाली ट्रीटी रिवर, जो महाकाली रिवर के साथ 1996 एक और है इसके साथ 1996 में, कौन सी है? महाकाली याद रखना। जैसे वैसे थी नेपाल के साथ और भी कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया के, नेपाल के साथ महाकाली ट्रीटी 1996 की, दी अपर कनाल प्रोजेक्ट चल रहा है और 900 मेगावाट अरुण 3 प्रोजेक्ट भी चल रहा है ईस्ट नेपाल, जिसका बात करें संखुआ साबा। तो ये कुछ प्रोजेक्ट आपको नाम याद रखने चाहिए, नाम तो आप याद रख लो, महाकाली 1996 महाकाली, दूसरा कौन सा प्रोजेक्ट याद रखोगे? अपर कनाल प्रोजेक्ट, ठीक है। और कौन सा याद रखोगे? अरुण 3 प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ईस्टर्न नेपाल में, ठीक है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया का चल रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे डिस्कस हम कर लेते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम से रिलेटेड। मैंने आपको पीछे डिस्कस किया था कि इंडिया का जो बॉन्ड है सोना है, वो इंडिया की फीमेल्स को बहुत डिमांड रहती है, पर वो तिजोरी में रहता है तो किसी काम का नहीं रहता। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, उसके लिए आप उसको एक बॉन्ड इशू कर दो ताकि आप उसको पड़ा रहता है, इसलिए बैंक से काम आ जाएगा, उसके लिए आप बॉन्ड इशू कर देंगे, साथ में आपको उस पर इंटरेस्ट मिल जाएगा। ऐसे नहीं तो सोना क्या मिल रहा है, सोना की डिमांड की ज्यादा होती है कि इंडिया को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, उसके जो हमारे फॉरेक्स होते हैं ना, फॉरन वो खत्म खर्च करने पड़ते हैं, डॉलर में खर्चना पड़ता है पैसा ताकि हम सोने को ला सकें। तो जितनी डिमांड सोने की इंडियन फीमेल्स पहनेंगे तो उतना ही कंट्री से जो पैसा बाहर जाता है, क्योंकि ड्रेन आउट हो रहा होता है एक तरीके से, जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस करके बता दिया पिछले आर्टिकल्स में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सोने की, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को बोला गया नाउ ओपन फॉर सब्सिडाइजेशन बाय यू शुड इन्वेस्ट, क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, सॉवरेन बॉन्ड है क्या, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, फिर भी आपको मैं जल्दी से बता दूं इसका आउटलुक ओवरव्यू दे दूं मैं आपको। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक आरबीआई के साथ, रिजर्व बैंक के साथ क्या, आरबीआई के साथ उन्होंने कंसल्टेशन की है, किसके साथ? आरबीआई के साथ। क्या बोला है कि उन्होंने लॉन्च कंसल्टेशन किया है, बैंक ऑफ इंडिया विल इशू सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इन ट्रेंचेस फॉर 2022-2023 से ये इशू कर दिए जाएंगे। लॉन्च इन नवंबर 2015 लॉन्च हुआ था, तो आइडियली 2015 में हुआ था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? टू रिड्यूस द डिमांड फॉर फिजिकल गोल्ड, फिजिकल जो हम गोल्ड लेकर के बंदी डाल देते हैं, वो पहन सकते हैं कुछ और किसी काम, तो सारे साल वो तिजोरी में रह जाते हैं बस एक तरीके से। तो वो क्या करते हैं, सरकार ने बोला कि इसको हम यूटिलाइज कर सकते, क्यों ना इसकी जगह आप बॉन्ड का एक पेपर ले लो, हम मानेंगे कि आपका इतना था, उसका शेयर जो होगा जैसे मार्केट में रोज गिर रहा है बढ़ रहा है, उस हिसाब से बॉन्ड का शेयर भी होगा, बस ये होगा इसका फायदा ये नहीं होगा कि आप उसको पहन के जा सकते इस पेपर वहीं पर, क्योंकि बॉन्ड है वो, बट बाकी सारे आपके पास बॉन्ड का एक बॉन्ड रहेगा आपके पास, ठीक है, और इस पे आपको सोने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसको बोलते हैं बॉन्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूस डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल गोल्ड एंड शिफ्ट अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक सेविंग्स यूज्ड फॉर द परचेस ऑफ गोल्ड इनटू फाइनेंशियल सेविंग। जो पैसा आपका खर्च होता है बाहर के, हमें फॉरेन रिवर्स, पहले तो हमें उस करेंसी चेंज करनी पड़ती है फॉरेक्स में, उस पहले हम डॉलर बाय करना पड़ता है, डॉलर से हमें जैसे आपको पता है गोल्ड इंडिया में इतना नहीं होता तो बाहर से लाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो हमें डबल बैठ जाता है। तो इसकी डिपेंडेंस, फिजिकल गोल्ड की डिपेंडेंस कम करने के लिए हमने इसको सोवरेन बॉन्ड का नाम, मतलब एक बॉन्ड दे दिया गया है कि क्यों ना आप अपने गोल्ड को हमें दीजिए और हम आपको उसके बदले में बॉन्ड देते हैं, जो कि उसकी प्राइस वही रहेगी जैसे गोल्ड की शेयर मार्केट डेली होती है, तो उससे क्या आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर, पहले क्या होता है इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसका, घर बैठे आपको सूद मिल रहा है उसका, ठीक है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें कि एश्योरेंस क्या है, द गोल्ड बॉन्ड्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक अंडर द गवर्नमेंट स्कीम GS एक्ट 2006। क्या बोलते हैं उसको? गवर्नमेंट स्कीम थी इसकी 2006 की, इसको इसको बोला जाता है GS एक्ट 2006, GS एक्ट। दीज आर इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के द्वारा या रिजर्व बैंक के द्वारा इशू किए जाएंगे बॉन्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और किसका शो रिप्रेजेंट कर रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। बॉन्ड्स आर सोल्ड थ्रू कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक मतलब के जो प्राइवेट बैंक या स्टेट बैंक होंगे, आरबीआई होनी, उसके थ्रू किए जाएंगे, लेकिन इसके इशू किसके द्वारा किएंगे? आरबीआई। और बेचे किसके बॉन्ड्स, बेचे किसकी तरफ से जाएंगे? कमर्शियल बैंक के थ्रू। तो स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको हम बोलते हैं SHCIL। क्या नाम मैंने बोला? एच, दोबारा सुन ले क्या नाम बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, SHCIL, जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म है इसका स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेस, और भी बहुत सारे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जो कंपनी है वहां से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इधर डायरेक्टली और थ्रू एजेंट्स, आप इसकी डेली इसका प्राइस आप चेक कर सकते हैं। और इशू कौन करेगा आपका? आरबीआई के द्वारा इशू होगा, किसको शो करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और किसके द्वारा बेचे जाएंगे ये दिए जाएंगे? तो कमर्शियल बैंक जो आपके स्टेट बैंक्स होती है, ठीक है, सेंट्रल बैंक आपका आरबीआई बोला जाता है, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक जिसको बोलते हैं स्टेट बैंक होती है, आपके प्राइवेट बैंक होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया।
एलिजिबिलिटी क्या होगी इसके लिए, द बॉन्ड्स आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर सेल ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, जिसको बोलते हैं HUFS, क्या बोला जाता है HUFS, दोबारा समझा दूं क्या है, द बॉन्ड्स आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर द सेल ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स एंड अनडिवाइडेड फैमिलीज, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, इनके लिए जो बॉन्ड्स है ये इसकी सेल मनाही है, रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट पे आप ना लगाएंगे, अब मालूम चला मंदिर से सोना उठा के ला रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि बॉन्ड रख लो, तो वहां पे मनाही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली मनाही होगी, तो ये समझ में सबको समझ में आ रहा है। तो इसके फीचर्स अगर हम बात करें क्या है, ये करता है इशू प्राइस, गोल्ड बॉन्ड्स क्या है कि एक तरीके से प्राइस, मतलब गोल्ड बॉन्ड प्राइस आर लिंक टू द प्राइस ऑफ द गोल्ड ऑफ 999 प्योर कैरेट, उसको हम बोलते हैं 24 कैरेट, उसकी प्राइस अगर वो होगा तो आपको पता है कि वो प्योर गोल्ड है। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो पब्लिश बाय इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं IBGA मुंबई। इन्वेस्टमेंट लिमिट अगर हम बात करें, गोल्ड बॉन्ड्स कैन बी परचेस इन द मल्टीपल ऑफ वन यूनिट अप टू सर्टेन थ्रेशोल्ड फॉर डिफरेंट इन्वेस्टर्स, द अपर लिमिट फॉर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन द HUFS, HUFS क्या है अगेन मैं आपको बता दूं, HUFS का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, इसका नाम है, इसकी अपर लिमिट कितनी है कि 4000 यूनिट आप एक फाइनेंशियल ईयर में आप ले सकते हो, फॉर ट्रस्टेड एंड सिमिलर एंटिटीज अप टू 20 किलोग्राम पर फाइनेंशियल ईयर इज एप्लीकेबल, इतना आप सोना आप मंगा सकते हो, इससे ज्यादा मतलब बहुत सरकार को महंगा पड़ता है बाहर से सोना मंगाना पड़े तो, ठीक है, इसकी लिमिट है। मिनिमम अगर आप बात करें तो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कम से कम, टर्म अगर हम देखें तो गोल्ड बॉन्ड्स कम विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 8 ईयर्स, 8 साल कम से कम इसकी मैच्योरिटी पीरियड होगी गोल्ड बॉन्ड्स की, जैसे पेपर दे दिया है, बॉन्ड दे दिया है, अगर सोने की जगह आप बॉन्ड रख लो, इस पर आपको स्टॉक मार्केट आपको जो प्राइस होगा एक दिन नीचे स्टॉक मार्केट जैसा वैसे रहेगा, तो 8 साल की इसका मैच्योरिटी पीरियड होगा गोल्ड बॉन्ड का, ठीक है। एंड द इन्वेस्टमेंट ऑन द फर्स्ट 5 ईयर्स, तो उसके अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट, अ फिक्स रेट ऑफ 2.5% पर एनम होगा, इंटरेस्ट रेट कितना 2.5% पर एनम इसका रहेगा हर साल का, इज एप्लीकेबल ऑन द स्कीम पेबल्स सेमी एनुअली, स्कीम्स होंगे आपके सेमी एनुअल, 6 महीने बाद दे सकते हो, मतलब ले सकते हो उसका अगर आप जमा करो, जैसे आपकी FD होती है एक तरीके से, पर आप लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइफ करते हो, ये बॉन्ड होगा आपका सोने के ऊपर। द इंटरेस्ट ऑन गोल्ड बॉन्ड शैल बी टैक्सेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स 1961, और एक टैक्सेबल होगा, आप सोचो कि टैक्स से मुक्त हो जाएगा, तो टैक्स से मुक्त नहीं, वो टैक्सेबल होगा, और प्रोविजन इस इनकम टैक्स प्रोविजन एक्ट कौन सा मैंने बताया यहाँ पे, कौन सा एक्ट बता रहे, 1961 का एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट इसको बोलते हैं। बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि बॉन्ड कैन बी यूज्ड एज अ कलेक्टर फॉर लोन्स, नाउ अगर किसी को लोन वगैरह लेना तो आपने गिरवी दे सकते हैं बैंक के थ्रू, ठीक है। द कैपिटल गेन्स टैक्स अराइजिंग एंड रिडेम्पशन ऑफ SDB टू एन इंडिविजुअल हैज बीन एग्जेम्प्टेड, तो ये कुछ तरीके हैं। अब इसी से रिलेटेड आपका एक पिछले साल क्वेश्चन आया 2016 में, उसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको जल्दी से देख लेते हैं। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे आप देख लें, क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज आर द पर्पस पर्पसेस ऑफ गवर्नमेंट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, क्या है इसका पर्पस, टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड लाइन विद इंडियन हाउसहोल्ड्स इनटू द इकोनॉमी, टू प्रमोट FDI इन द गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर, टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इंपोर्ट्स, क्या है, क्या इंडिया की डिपेंडेंस कम करनी गोल्ड इंपोर्ट्स में, अब साथ में आपको क्या है, ये तो दिए गए साथ में ऑप्शन भी दिए हुए हैं, क्या ओनली वन है, ओनली वन तो होने से बाकी ऑप्शन भी है, क्या सेकंड एंड थर्ड है, टू प्रमोट FDI इज द गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर, टू रिड्यूस इंडियाज इंडिपेंडेंस ऑन गोल्ड इंपोर्ट्स, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा सी, वन एंड थ्री, फर्स्ट भी है और थर्ड भी, इंडिया के जो गोल्ड इंपोर्ट्स हैं, बताया इंपोर्ट करने में इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व, इसको बोलते हैं फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खर्च हो जाता है, कैसे खर्च होता है मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो है आपका चेस ओलंपियाड से रिलेटेड, चलिए देख लेते हैं उसको। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, एक टॉर्च है और ये पीएम मोदी इनॉग्रेट कर रहे हैं, और बिल्कुल यहाँ पे वो कर रहे हैं, उसको उद्घाटन हो रहा है इसका। चेस ओलंपियाड क्या है, चेस ओलंपियाड, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया एंड चेस ओलंपियाड अगर बात करूँ तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज लॉन्च द हिस्टोरिक टॉर्च रैली फॉर द 44th चेस ओलंपियाड एट इंदिरा गांधी स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। इंदिरा गांधी न्यू दिल्ली यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे होगा, इससे पहले आप बात करें तो बहुत सी कंट्री ऑर्गेनाइज कर चुकी हैं इसको। सो चेस ओलंपियाड इज अ बाइनल चेस टूर्नामेंट इन विच टीम्स रिप्रेजेंटिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड कम्पीट, एक तरीके की बहुत सारी वेरियस ओलंपियाड है तो वहाँ पे वेरियस कंट्रीज जो है वो कम्पीट करती हैं चेस से, ठीक है। और क्या अगर बात करूं, द फर्स्ट ऑफिशियल चेस ओलंपियाड वॉज हेल्ड इन 1927 इन लंडन यूके, पहला अगर चेस ओलंपियाड की अगर बात करूँ तो कब हुआ था, हेल्ड कब हुआ था, ये डेट याद रख लेना, 1927 वन लाइन आप लिख करो, डेट वगैरह याद रख लिया करो, ये लिख दिया करो उसके सामने, कब हुआ था पहला 1927 कहाँ पे हुआ था, यूके लंडन, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम लंडन में हुआ था पहला चेस ओलंपियाड, ठीक है। ऑर्गेनाइज बाय फिडी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया था, FIDIE फुल फॉर्म है इसका, फिडी FIDIE फिडी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, एंड टूर्नामेंट एंड सेलेक्ट दी होस्ट नेशन, ये सेलेक्ट करते हैं कि कौन करेगा होस्ट। सो इस बार की अगर हम बात करें इंडिया एंड चेस ओलंपियाड, इंडिया मेड इट्स डेब्यू एट चेस ओलंपियाड इन 1956, इंडिया ने अपना चेस में डेब्यू कब किया था, 1956 में इंडिया ने अपना चेस डेब्यू किया था। और अगर मैं पूछूं कि ये फर्स्ट टाइम बनाया कौन सी कंट्री ने था, मतलब कौन सी कंट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, 1927 था, और इंडिया में कब पहुंचा, 56 या 56 में इंडिया ने इसमें क्या किया था कि इंडिया ने इसको डेब्यू किया था यहाँ पर 1956, दो डेट्स थी 1956, 27 में तो आपका यूके लंडन ने ऑर्गेनाइज किया था, यहाँ पे इंडिया ने डेब्यू किया था 1956 में चेस ओलंपियाड में, ठीक है, याद रहेगा, इंडिया मेड इट्स डेब्यू, ठीक है। अब जॉइंट विनर्स थे विद रशिया इन 2022, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने गोल्ड मेडल लिया 2020 में, और उसमें रशिया और इंडिया जॉइंट दोनों विनर रहे, एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे इंडिया को 2021 और 2014 में चेस ओलंपियाड में। और 44 चेस ओलंपियाड की अगर हम बात करें, ये जो 44 चेस ओलंपियाड है ये हेल्ड होगा इंडिया में, और इंडिया में कहां पे होगा, 44 चेस ओलंपियाड इंडिया में होगा चेन्नई में, कहां पे, चेन्नई, याद रखना 44 चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस चेन्नई में होगा, ठीक है, ऐसे करके इसको आप याद रख लेना।
ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इंडिया इज होस्टिंग द चेस ओलंपियाड फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया क्या है, 44th ओलंपियाड, इतना टाइम लग गया है, वो फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट कर रहा है इसको, 44th चेस ओलंपियाड जो कि चेन्नई में होगा। और ये मोरओवर एशिया वेस्ट टू होस्ट द इवेंट आफ्टर अ गैप ऑफ 30 इयर्स, एशिया में पहली बार 30 साल के गैप के बाद हो रहा है, बहुत बहुत लंबा टाइम। उससे पहले क्या था, द फिलीपींस हैज होस्टेड इन एशियन, एशिया में फिलीपींस ने होस्ट किया था 1992 में, फिलीपींस कर चुका है एशिया की अगर हम बात करें, पर इतना बड़ा गैप था। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है जो लास्ट ईयर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, जल्दी से उसको देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा आपको देखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पे, कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन रिस्पेक्ट ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप द फाइनलिस्ट वर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे वॉन, द न्यूजीलैंड वाज रैंक अहेड ऑफ इंग्लैंड बिकॉज इट वॉन मोर मैचेस देन न्यूजीलैंड, सॉरी देन इंग्लैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑल करेक्ट, सिर्फ पहला या दूसरा या फर्स्ट एंड सेकंड या नीदर वन नीदर टू, तो आपको लगता है कौन सा आंसर होगा, जो मैंने बताया उसमें से कुछ लेना देना था, आपको लगा था कुछ, तो राइट आंसर वुड बी नीदर वन नीदर टू, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है, राइट आंसर वुड बी डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो है आपका बैंक बोर्ड ब्यूरो, जिसको हम ट्रिपल बी भी बोला जाता है, बैंक बी ब्यू, बैंक से कुछ टर्म्स अगर आएंगे ना, सेबी वगैरह याद रख लेना, ट्रिपल बी याद रख लेना, कुछ टर्म्स आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ये सब कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, न्यूज बहुत बड़ा थी। जैसा ही आपको दिख रहा है कि एक रीवैम्प हुआ है तरीके से आपका, बात करें बैंक्स का, बैंक ऑफ बोर्ड, इसको बीबी करके बोला जाता है, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, क्या बोला जाता है, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, ट्रिपल बी के नाम से भी जाना जाता है, क्या नाम है इसका, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। अब रिसेंटली न्यूज में क्या है, क्या इसकी स्टोरी है, हम इसको पढ़ लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं, न्यूज में रहा था ये, द फाइनेंस मिनिस्टर इज वर्किंग टू एक्सपैंड एंड रीलॉन्च द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, इसको फिर से रिवैम्प किया जा रहा है, जैसे हर एक चीज रिवैम्प हो रही है, अग्निपथ वगैरह सारी स्कीम्स वगैरह रिवैम्प हो रही है, तो यहाँ पर भी बैंकिंग सेक्टर में भी कुछ रिवैम्प की बात की गई है, मतलब बैंक्स को रिलेटेड रिलेट करके, कि बाय ब्रिंगिंग, और किसने किया ये, मिनिस्ट्री ऑफ, किसने किया, फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया, याद रखना इसको, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया, ठीक है, बाय ब्रिंगिंग इन मोर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द इंश्योरेंस सेक्टर, यहाँ पर बोला गया कि क्यों ना हम इंश्योरेंस सेक्टर को भी इसमें मिला लिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जीवन बीमा योजना इंश्योरेंस वाला सेक्टर, उसको भी काफी उन्होंने बोला कि उसको भी हमें साथ में मिला लेना चाहिए, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं कि क्या है, इट वॉज सेटअप इन फरवरी 2016, 2016 में यह सेटअप हुआ था, ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो जो जिसकी बात करें ट्रिपल बी, फरवरी 2016 में, कब, फरवरी 2016 में, एज एन ऑटोनॉमस बॉडी, एक सिंगल बॉडी के रूप में तैयार हुआ था, ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द आरबीआई अपॉइंटेड नायक कमेटी, और इट वॉज पार्ट ऑफ द इंद्रधनुष प्लान, एक आपका इंद्रधनुष प्लान इससे रिलेटेड आता है, उसका एक पार्ट भी था इंद्रधनुष प्लान, याद रखना इंद्रधनुष प्लान का भी पार्ट था। अभी है क्या, रोल क्या है इसका, इट विल मेक रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स, ये क्या करेगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो ये अपॉइंटमेंट करेगा डायरेक्टर्स की, एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, और जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हुए उनकी भी, ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पीएसबी, उनकी, उनके चेयरमैन कौन होने चाहिए अपॉइंटमेंट, और साथ में इसमें इंश्योरेंस सेक्टर को भी इन्वॉल्व करने की बात की जा रही है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टेक द फाइनेंशियल डिसीजन, जैसे मैंने आपको बताया, ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कस करके हो जाता है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें कैसे बना, बैंक बोर्ड ब्यूरो कंप्राइजेस ऑफ द चेयरमैन, क्या होता है इसमें, एक चेयरमैन, ऑब्वियसली चेयरमैन हो गई, चेयरमैन, एक चेयरमैन होगा, फिर थ्री एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, थ्री एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो कि होंगे, दैट इज सेक्रेटरी, सेक्रेटरी होगा, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस होगा, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस होगा, एंड डिप्यूटी गवर्नर ऑफ द बैंक ऑफ इंडिया, एंड फाइव एक्सपर्ट मेंबर्स भी होंगे, टू ऑफ विच आर फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, और दो कुछ प्राइवेट सेक्टर से भी होंगे, ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर दिया होगा, बट फिर भी मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, पिछले न्यूज मैंने कवर की हुई है जून में, दोबारा से रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये होगा। अब इसका जल्दी से हम इसे कुछ रिलेटेड, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर के, क्या है वो जल्दी से देख लेते हैं, विद रेफरेंस ऑफ द बैंक बोर्ड ब्यूरो ट्रिपल बी, इसे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, क्या है, द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ ट्रिपल बी, क्या ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, तो फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली जिसमें फर्स्ट नहीं तो आपको पता लग गया होगा आंसर कौन सा है यहाँ पे, जो ऑप्शन है तो ऑब्वियसली इसका आंसर वुड बी बी, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड क्या है, ट्रिपल बी रिकमेंडेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ हेड एंड पब्लिक सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया, हाँ करता है, थर्ड आपका बीबी हेल्थ पब्लिक सेक्टर बैंक डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज एंड कैपिटलाइजिंग प्लान्स, बिल्कुल, तो आपका सही आंसर क्या बन जाता है यहाँ पे, बी। बढ़ते हैं आगे, सुधा, सुधा एनवायरमेंट से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है, इसको देख ले, खादी से रिलेटेड है, न्यूज में आया था, एक पिक्चर आपको देखने को मिल रही होगी, खादी के कपड़े हैं, इसको आप जल्दी से देख लेंगे क्या है, कैसे है, क्या नहीं, ठीक है, देख रहे हैं आपको, डिस्कस कर लेते हैं। The Center of Excellence for Khadi, जिसको हम बोलते हैं, The Center of Excellence of Khadi, COEK, The Center of Excellence of Khadi ने क्या किया, has designed a range of wellness wear Swadha, Swadha के नाम से जाना जाता है, Swadha, याद रखना, Swadha, ये नाम है इसका, Swadha, Swadha scheme, means ease of comfort or pleasure, मतलब ढेर सारे कपड़े के आराम से पहन सको, Swadha, क्या नाम है, Swadha, Swadha, ठीक है, means ease of comfort, the wellness wear and designed by COEK, COEK मैंने क्या बोला, Center of Excellence for Khadi, CO मैंने क्या बोला, CO के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ खादी, इसके द्वारा डिजाइन किया, आराम से इसको पहन सकते हैं, ईज ऑफ वेयरिंग एंड कंफर्ट प्लेजर, ठीक है, कीपिंग इन व्यू द कोर आइडियोलॉजी ऑफ योगा, जैसे योगा के लिए आपको आराम से आइडियोलॉजी कहते हैं, कीपिंग द व्यू ऑफ योगा, द स्वधा रेंज एम्फसाइज़ द वैल्यू ऑफ माइंडफुलनेस,
एंड प्रिजर्वेंस एंड इज एम टू अट्रैक्ट ऑल एज ग्रुप्स। बेसिकली खादी कपड़े को वापस इसको रीब्रांड किया गया कि मद्देनजर रखते हैं कि आप इजीली इसको पहन सके, हर ग्रुप का पहन सके, और योगा और माइंडफुल जब मेडिटेशन करने बैठते हो तो धीरे धीरे कपड़े कंफर्टेबल एक तरीके से आपको लगाया जा सके। बेच रहे क्या एक तरीके से बेचना, मतलब क्या फोकस करना है इस पर खादी के कपड़े पे। सो द वेलनेस वर्ल्ड हैज यूज्ड हैंडस्पन खादी, नेचुरल यूज हैंडस्पन खादी है ये जैसे, और द थ्रेड ऑफ द खादी बाइंड्स द पीपल ग्लोबली इन ट्रू सेंस टुवर्ड्स वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो एक तरीके से खादी को पूरा दुनिया से हम बोलते हैं दुनिया एक घर है, उस तरीके से बांधता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ खादी की अगर हम बात कर ले तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ खादी हैज बीन सेट अप बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जिसको हम बोलते हैं KYIC। रिसेंटली खादी के फॉर्म्स भी पीछे पहले निकला करते थे JNK में, KVIC खादी के फॉर्म्स। तो वही ग्रुप है, कौन कनेक्ट करवाता है इसको, सेट अप बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ MSME मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, MSME ठीक है, KVI जिसको खादी सेटअप विलेजेस ये मिल जाएगा आपको ठीक है। आगे इट इज सेटअप एट 5 नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT कैंपसेस एज अ हब एंड स्पोक मॉडल। हब मतलब दिल्ली, स्पोक गांधीनगर, कोलकाता, शिलोंग एंड बेंगलुरु। याद रखना कौन से हब हैं, दिल्ली, और स्पोक की मैं बात करूं तो गांधीनगर, कोलकाता, शिलोंग एंड बेंगलुरु, याद रख लेना ठीक। सो दैट अगर हम बात करूं, इट हैज द ऑब्जेक्टिव टू हेल्प खादी इंस्टीट्यूशन, मेन क्या खादी को प्रमोट करना टू इफेक्टिव डिजाइन के साथ, ताकि ये थोड़ा ब्रांड बन सके और इंडिया, क्योंकि हम जानते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने चाहते हैं कि खादी यूज किया जाए ठीक है। इट हैज द ऑब्जेक्टिव टू हेल्प खादी इंस्टीट्यूशंस केआई टू इफेक्टिवली डिजाइन, प्रोड्यूस एंड मार्केट हाई क्वालिटी डिफरेंशिएटेड खादी प्रोडक्ट्स इन द इंडियन एंड ग्लोबल मार्केट। द COK विल बी एम्ड एट डिजाइनिंग एप्रल होम फर्निशिंग एंड एसेसरीज फॉर पीपल फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप्स ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे बढ़ते हैं, हम बढ़ चलते हैं क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। ये है आपका डेटा लेयर से इन्फॉर्मेशन, आपके बैंक से लिंक होती है NCPI, उससे रिलेटेड आपका क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल बन जाता है क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT जिसको हम बोलते हैं मैती, न्यूज में भी रह चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैंने आर्टिकल डिस्कस किए सारे कंपाइलेशन करके किए, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मैती की अगर हम बात करें, IT मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मैती इसका नाम है, हैज डिक्लेयर द IT रिसोर्स ऑफ ICICI बैंक, HDFC बैंक एंड UPI मैनेजिंग एंटिटी NPCI एज क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। NPCI जब आप करते हैं ना बैंक में लॉग इन करते हैं, क्रिटिकल आप पे करते हैं बैंक से, तो NPCI जनरेट होता है ठीक है। इसके बारे में क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाट इज इट, है क्या ये, द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कौन सा 2000, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 डिफाइंस क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कंप्यूटर रिसोर्स द इनकैपेसिटेशंस और डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हिच शैल हैव अ डिबिलिटिंग इंपैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी। एक तरीके से आपका डेटा अगर ये हैक हो जाए कुछ, मतलब क्रिटिकल इंपैक्ट कर सकता है कंप्यूटर रिसोर्स इनकैपेबिलिटी, कहते हैं कि सिक्योरिटी को थ्रेट भी ये दे सकता है एक तरीके से, अगर इलीक हो जाए, गलत तरीके से मैनेज हो। तो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, अंडर द एक्ट द गवर्नमेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर एनी डेटा या डेटाबेस, IT नेटवर्क और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एज CII, CII मतलब वही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, टू प्रोटेक्ट दैट डिजिटल एसेट। पेनालिटी की अगर हम बात करें, एनी पर्सन हु सिक्योर्स एक्सेस और अटेम्प्ट्स टू सिक्योर एक्सेस टू प्रोटेक्टेड सिस्टम इन इज अ वायलेशन ऑफ द लॉ। अगर कोई डेटा में एक्सेस करना चाहेगा तो ऑब्वियसली वो उसका वायलेशन होगा, वहां पर CII आ जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट एक्सेस आ जाएगा, और हम इसको क्या मानेंगे, थ्रेट मानेंगे कि वहां पर पेनल्टी होगी, उसको पनिश और जेल भी जा सकते हैं इसके अंतर्गत, कम से कम 10 साल की, अप टू 10 साल तक अगर कोई इसको ब्रीच करने की कोशिश करता है तो। हाउ आर CII प्रोटेक्टेड इंडिया, कैसे प्रोटेक्ट होता है क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर जिसको हम बोलते हैं NCIIPC वॉज क्रिएटेड इन 2014, ये आपका 2014 में क्रिएट हुआ था, क्या क्रिएट हुआ था उसको हम बोलते हैं NCIIPC, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, 2014 में क्रिएट हुआ था। इट इज द नोडल एजेंसी फॉर टेकिंग ऑल मेजर्स टू प्रोटेक्ट द नेशंस क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फंक्शंस ऑफ NCIIPC। इसका मेन क्या है, टू गार्ड CII, CII मतलब क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को गार्ड करना फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस, जैसे ऑनलाइन कुछ करते हैं कभी आपको थ्रेट आ जाए कुछ हो जाए, और NPCI क्या होता है, जब आप कुछ बैंक में आप लोग कभी देखा होगा आपका मैसेज आता है कि यहाँ पे ट्रेन हो चुका, आपका बन चुकी आइडिया ना डेटा होता है इसका, फॉर टेकिंग ऑल मेजर्स टू प्रोटेक्ट द नेशंस क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, टू गार्ड सेल्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, मॉडिफिकेशन, यूज, डिस्क्लोजर, डिस्ट्रक्शन, incapitation or destruction, and to monitor or forest national level threats, to CII for policy guidance, expertise, sharing the situational awareness of early warning or alerts. तो इस तरीके से आपको इसमें मतलब एक प्रावधान रखा गया सिक्योर करने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है माउंट आबू अन्नपूर्णा से रिलेटेड, आइए उसको देख लेते हैं। यहाँ पे दो चीजें, एक अन्नपूर्णा घाट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, बट न्यूज में क्या रहा था आपका कि एक इंसान था उसने विदाउट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन उन्होंने क्लाइम करी है अन्नपूर्णा को। ये बहुत सारे अन्नपूर्णा पीक्स हैं आपको, पहली अन्नपूर्णा पीक है यहाँ पे, सेकंड अन्नपूर्णा पीक आपको दिखाई, थर्ड अन्नपूर्णा पीक की सेकंड या थर्ड, बट मेन अन्नपूर्णा पीक आपकी ये दिखाई जहाँ के बिना ऑक्सीजन जाना, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जाना, बहुत डेथ, इसको डेथ ऑफ 8000 की रेंजेस है, जो कि 8400 आपके अभी माउंट एवरेस्ट की भी 8000 की रेंज में, जिसको डेथ भी बोला जाता है, किलर डेथ इसका नाम रखा गया है अन्नपूर्णा का। तो क्या था न्यूज़ में कि माउंट अन्नपूर्णा इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट अमंग द 8000 मीटर्स हाइट पीक्स इन द वर्ल्ड एंड इट इज आल्सो नोन एज द किलर माउंटेन, सो किलर माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है किलर, ड्यू टू इट्स फैटलिटी टू समिट रेट, क्योंकि और वहां पे कभी रिसेंटली न्यूज में थे कि स्केलेटन रिजिंग
स्कैल्जिंग रेजिंग थे, उन्होंने वो फर्स्ट इंडियन माउंटेनियर बने टू क्लाइम माउंट अन्नपूर्णा पीक विदाउट एनी सप्लीमेंट ऑक्सीजन और रिसीव्ड अ वार्म वेलकम उनको मिला रही में। तो नाम भी उनका नाम से समझ में आ रहा है आपको, रेजिंग क्या नाम बताया मैंने, स्कैल्जिंग रेजिंग, स्कैल्जिंग रेजिंग ले उनको वेलकम मिला। अन्नपूर्णा इज अ माउंटेन सिचुएटेड इन द अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज ऑफ द गांडाकी प्रोविंस नॉर्थ सेंट्रल नेपाल, ये इंडिया का पार्ट नहीं है नेपाल का, कई लोग बोलते हैं हिमालय भी इंडिया भाई, हाँ नेपाल याद रख लेना नेपाल ठीक। इट इज द 10th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में दसवां है, 10th हाईएस्ट, पहला कौन सा बोलोगे हाईएस्ट कौन सा है, तो पहला सबको पता है, सेकंड आपका K2, खैर कंचनजंगा थर्ड माउंटेन रेंज, बट खैर जो भी है न्यूज़ में रहा ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट थीरी डेजर्ट के बारे में, आप बोलोगे डेजर्ट तो थारी सुना है, थीरी कौन सा डेजर्ट आ गया इंडिया में, थार डेजर्ट सबने सुना है कहाँ पे है, राजस्थान और गुजरात के वाला पोर्शन का थार डेजर्ट, बट लेकिन राजस्थान का थोड़ा सा राजस्थान का ज्यादा पोर्शन है, तो आप बोलोगे ये तो थार डेजर्ट है, थीरी डेजर्ट कौन सा आ गया, किसकी बात कर रही हूँ मैं, थीरी डेजर्ट, आइए उसको हम देख लेते हैं कि क्या है थीरी डेजर्ट। यहाँ पर लोकेशन दिख रही है, बोलोगे साउथ में, ये कैसा हो गया, जो है क्या आपसे कि सैंड ड्यून्स होते हैं ना ऐसे करके, वो उठते रहते हो तो यहाँ से सैंड ट्रांसफर होते हैं, तो केरला से जो विंड्स वगैरह ब्लो करती हैं वो यहाँ पे सैंड ड्यून्स, एक के टीले जिनको बोला था सैंड ड्यून्स, वो यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये एरिया आपको देखा थोड़ा शुष्क या खुश्क एरिया आपको देखने को मिलेगा, देख लो आप लोग यहाँ तो रिवर्स वगैरह ब्लो कर रही है, हाँ कर तो रही है मैंने कहा, लेकिन वेस्टर्न इस साइड से देखो, तो खैर उसको डिस्कस कर लेते हैं क्या है, देयर आर कपल ऑफ थ्योरीज दैट आर बीइंग डिबेटेड रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ थीरी डेजर्ट, कौन सा डेजर्ट है दोबारा बता दूं, थीरी डेजर्ट क्या, THERI वो था और ये थीरी डेजर्ट फॉर्म हो रहा है, द मोस्ट पॉपुलर प्लॉजिबल बीइंग द रोल ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड, साउथ वेस्ट मतलब साउथ पोर्शन है, वेस्ट मतलब यहां से जो विंड्स आती है ये इसका कॉज माना जाता है, द रेड ड्यून्स आर कॉल्ड थीरी इन तमिल, रेड ड्यून्स मतलब रेत के जो लाल कलर के टीले होते हैं ना ऐसे करके, जैसे माउंटेन होते हैं रेत के टीले रेड कलर के, उसको बोला था थीरी इन तमिल, दे कंसिस्टेड ऑफ सेडिमेंट्स डेटिंग बैक फ्रॉम द क्वार्टनरी पीरियड, यहां पर अगर देखा जाए तो कौन से टाइम पीरियड की बात चल रही है, 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, क्वार्टनरी पीरियड की बात चल रही है, तब के ऐसा लग रहा है कि कुछ अवशेष मिले वहां पर, सेडिमेंट्स मिले रेड ड्यून्स में, रेड का मतलब क्या होता है थीरी इन तमिल, इसलिए इसका नाम पड़ गया थीरी ठीक है। दे हैव वेरी लो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स रिटेंशन कैपेसिटी, तो जो ये रेत है बहुत कम आपको न्यूट्रिएंट्स रिटेंशन कैपेसिटी मिलेगी, और जो ये ड्यून्स है रेत के टीले सस्पेक्टेबल टू एरोडायनामिक लिफ्ट, एरोडायनामिक लिफ्ट क्या है, मतलब हवा से आप मतलब एरोडायनामिक लिफ्ट हो जाते हो, सो दिस इज द पुश दैट लेट्स समथिंग मूव अप, इसकी वजह से ये ऊपर उठ जाते हैं ऊपर की तरफ, इट इज द फोर्स दैट इज द ऑपोजिट ऑफ वेट ठीक है। मिनरल कंपोजिशन की अगर हम बात करें, द एनालिसिस ऑफ द रेड सैंड ड्यून्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ हेवी एंड लाइट मिनरल्स, कुछ मिनरल्स आपने नाम भी नहीं सुना होंगे वो हैं, दीज इंक्लूड्स लिमिनाइट, मैग्नेटाइट, रुटील, गार्नेट, जिरकॉन, डायोक्साइड, टोरमलाइन, हेमिटाइट, जियोथाइट, काइनाइट, क्वार्ट्ज, फिल्सफार, बायोटाइट और काफी सारे इसमें कंटेंट आपको देखने मिला। आयरन की अगर हम बात करें, आयरन रिच हैवी मिनरल्स लाइक लिमिनाइट, मैग्नाइट, गार्नेट, हाइपरसिनाइट एंड रुटील प्रेजेंट इन द सॉइल हैड अंडरगॉन लीचिंग बाय सर्फेस वाटर, तो ये भी न्यूज में था ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, चलिए जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे प्लास्टिक बैन से रिलेटेड है, जी हाँ, द सेंटर हैज बैन द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, कौन सा सिंगल यूज प्लास्टिक, उस पर बैन लगा दिया गया एक तरीके से, बैन प्रोहिबिटेड ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक बोला क्या गया यहाँ पर, सेंटर हैज बैन द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम July 1, कौन सी डेट July 1 याद रख लेना, जुलाई पहली से आपका ये बैन लग गया हुआ है सिंगल यूज प्लास्टिक पे ठीक है। एंड नाउ डिफाइन अ लिस्ट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स दैट विल बी बैन फ्रॉम द स्टेट, फर्स्ट ऑफ जुलाई से लिस्ट और बना दिए कौन कौन से फर्स्ट ऑफ जुलाई से और कहां कहां पे किस किन चीजों पे बैन लगने जा रहा है, तो तैयार रही है उस चीज से रिलेटेड ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसी जल्दी से, द मैन्युफैक्चर इंपोर्ट स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेल एंड यूज ऑफ फॉलोइंग सिंगल यूज प्लास्टिक इंक्लूडिंग पॉलिस्ट्रीन एंड एक्सपेंडेड पॉलिस्ट्रीन पॉलिस्ट्रीन को भी यहाँ पे बैन किया जा रहा है, आप सोचोगे ये कैसे हो रहा है भाई, हो रहा है पॉलिस्ट्रीन को भी बैन कर रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक, उसके अंदर भी बैन हो रहा है, कमोडिटीज शैल बी प्रोहिबिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 जुलाई 2022, दोबारा बता दूं 1 जुलाई 2022 ठीक है। यहाँ पे क्या है, एज पर दी मंडेरो फाउंडेशन रिपोर्ट 2021 की अगर हम बात करें, कौन सी मंडेरो फाउंडेशन रिपोर्ट 2021 क्या बोलती है, सिंगल यूज प्लास्टिक अकाउंट्स फॉर a third of all plastic produced globally with 98% manufactured from fossil fuels, 98% wo fossil fuels se bante hain aur aapko pata hai ki hum environment ki taraf sustainable development ki taraf ja rahe hain, so it is something that is very harm to bahut harmful nature ke liye, to india features in the top 100 countries of single use plastic waste generation at rank 94, india ka agar bolu kitna rank hai yahan pe single waste agar hum baat karu ki india ka kya rank hai yahan pe kisme, isme india featuring the top 100 countries of single use plastic waste generation, waste generate karta hai india usme 94 rank pe वर्ल्ड वाइड, इंडिया वेस्ट प्रोड्यूस करता है जो प्लास्टिक से सिंगल यूज प्लास्टिक ठीक है। टॉप में कौन सा रहा आपका, सिंगापुर, फिर आपका रहा ऑस्ट्रेलिया एंड फिर आपका ओमान थर्ड पे ठीक है। इंडिया डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ SUP सिंगल यूज प्लास्टिक इज 8 मिलियन मेट्रिक टन्स एनुअली, ये मैंने आर्टिकल पहले भी डिस्कस किया था, मैं फिर से डिस्कस कर रही हूँ, सारे डिस्कस हो गए एक तरीके से पूरे मंथ का इंपॉर्टेंट आर्टिकल ठीक है। इंडिया डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ SUP, सूप पीने वाला नहीं है, SUP सिंगल यूज प्लास्टिक 8 मिलियन मेट्रिक टन्स एनुअली एंड इट्स इंपोर्ट ऑफ 2.9 MMT है, इंपोर्ट है 2.9 MMT बोला है, खैर जो भी बात है। इंडिया पर कैपिटल जनरेशन इज 4 kg, हर कोई मतलब 4 kg तक का जनरेशन आप मान के चलो। द लार्जेस्ट शेयर ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इज दैट ऑफ पैकिंग, सबसे ज्यादा पैकिंग में प्लास्टिक यूज होती है, विद एज मच एज 95% ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक उसमें यूज होती है, 95% आपकी सिंगल पैकिंग में यूज मिल जाती है, सही बात है, में जाओगे पैकिंग में जाओगे कपड़े पैक करना चाहोगे चीजें पैक करना चाहोगे मशीनरी इंडस्ट्री उसमें यूज होती है, कितनी कितनी परसेंट, 95% इमेजिन, और बाकी है फ्रॉम टूथपेस्ट टू शेविंग क्रीम और टू फ्रोजन फूड्स में जरूरत पड़ जाती है प्लास्टिक की। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसकी हम बात करें ना, CPCB, सेंट्रल
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अगर बात करें, हैज अनाउंस्ड अ बैन ऑन ईयरबड्स, ईयरबड्स पर बैन कर दिया हुआ अभी जो हम ईयरबड्स यूज करते हैं, बलून्स पर भी बैन है, बलून स्टिक्स पे, कैंडी पे भी बैन है, आइसक्रीम पे भी बैन है, स्टिक्स जो स्टिक्स यूज करते हैं, कटलरी आइटम्स जो इंक्लूडिंग प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, फॉक्स, स्पून्स, नाइफ, ट्रेस, स्वीट बॉक्सेस, इनविटेशन कार्ड जो प्लास्टिक, सिगरेट पैक्स जो प्लास्टिक, पीवीसी बैनर्स मेजरिंग अंडर 100 माइक्रो जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं, पॉलिस्ट्रीन के जितना भी आइटम्स उनको बैन कर दिया गया है किसके द्वारा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसी द्वारा। पॉलिथिन बैग की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री हैड ऑलरेडी बैंड पॉलिथिन बैग्स अंडर 75 माइक्रोन्स जिनकी थिकनेस 75 से उनको ऑलरेडी बैन कर दिया हुआ 21 का, एक्सपेंडिंग द लिमिट फ्रॉम द अर्लियर 50 माइक्रोन, पहले 50 थी अभी 75 ठीक, फ्रॉम दिसंबर 2022 द बैन विल बी एक्सटेंडेड टू पॉलिथिन बैग्स अंडर 120 माइक्रोन, अब आगे 120 जो माइक्रोन से रिलेटेड होंगी उनको भी बैन कर दिया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक की बात चल रही है, सूप याद रखना, एसयूपी सूप, सिंगल यूज प्लास्टिक क्या याद रखोगे, एसयूपी मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर बैन है। आगे हम अगर बात कर ले तो शेट्स अ स्मॉल बैग और पैकेट्स की अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 देयर इज आल्सो कंप्लीट बैन ऑन सैचेस यूजिंग प्लास्टिक मटेरियल्स फॉर स्टोरिंग, पैकिंग और सेलिंग गुटखा, टोबैको एंड पान मसाला, छोटे छोटे सैशे आते हैं आपके सैशे पैकेट, उनको सैशे बोलते हैं, छेनी चुनी है ये सब जो भी आप टोबैको का बैन करते हैं उस पर भी टोटली बैन कर दिया हुआ है ठीक है। तो अब इसके क्या होगा कि व्हाट आर द आइटम्स बीइंग बैन जो कि बैन की जा सकती है, मॉनिटर बाय द बैन विल बी मॉनिटर बाय द सीपीसीबी जैसा आपको बताया फ्रॉम द सेंटर एंड बाय द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एसपीसीबी दैट विल रिपोर्ट टू द सेंटर रेगुलरली, और पेनाल्टी कितनी होगी, दोज हु फाउंड गिल्टी कैन बी बैन बाय पेनलाइजिंग अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उनको किसके अंदर लिया जा रहा है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा एक्ट है ये 1986 का एक्ट है, यार ना एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ठीक, विच अलाउज फॉर इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर, 5 साल की सजा भी हो सकती है या फिर पेनालिटी 1,00,000 रुपए की, बहुत भारी जुर्माना रखा गया है, या दोनों ही हो सकते हैं ठीक है। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल था उसको एक क्वेश्चन था वो डिस्कस कर लेते हैं, 2019 में जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाई इज देयर अ क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रो बेड्स दैट आर रिलीज इनटू एनवायरमेंट 2019, दे आर कंसीडर्ड हार्मफुल टू मैरीन इकोसिस्टम, वो तो है, दे आर कंसीडर टू कॉज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन, ऐसा तो नहीं है वैसे, दे आर स्मॉल एनफ टू बी अब्सॉर्ब्ड बाय क्रॉप प्लांट्स एंड अब्सॉर्बिंग होता है, दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड एज फूड एडल्ट्री, फूड में तो हो सकता है लेकिन इसमें से एप्रोप्रिएट तो मुझे लगा जो आंसर होगा आपका 1 ठीक है, आंसर आपका ए हो जाएगा ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो है आप नेक्स्ट आर्टिकल है आपका किस चीज से रिलेटेड है मैं आपको बता दूं, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं MEF, जैसा आपको दिख रहा है MEF। रिसेंटली क्या है, मेजर इकोनॉमिक फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट, क्या बोलते हैं, मेजर इकोनॉमिक फोरम किसके लिए, फॉर ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट। तो क्या हुआ, एट द वर्चुअल मीटिंग ऑफ MEF यूनियन मिनिस्टर कॉल्स अपॉन द मेंबर्स ऑफ MEF टू लॉन्च अ ग्लोबल मूवमेंट ऑन लाइफ, लाइफ मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ के लिए उन्होंने बुलाया, लाइफ मतलब लाइफ का फुल फॉर्म अगर मैं बोलूं तो क्या, लाइफस्टाइल ऑफ एनवायरमेंट, इसके लिए बुलाया गया ठीक है। एम क्या था इस मीटिंग का, वर्चुअल मीटिंग थी, MEF की मीटिंग के मेंबर्स को बुलाया गया, MEF क्या है, मेजर इकोनॉमिक फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट ठीक है। एम है द MEF मीटिंग वाज क्लेम्ड एट ग्लोबलाइजिंग एक्शन बोथ डेवलपिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज दैट आर टू स्ट्रेंथन एनर्जी सिक्योरिटी एंड टैकल द क्लाइमेट क्राइसिस देयर बाय बिल्डिंग मोमेंटम COP27, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पर भी कोप हो आपको देखते हैं एनवायरमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट लगा, आपको पता है इजिप्ट में होने जा रहा है रिसेंटली COP27, उसे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट बनाती न्यूज, आपकी न्यूज है ये, आप देख लें आपको मिल जाएगा, मैं बता देती हूँ आप फिलहाल देख लें क्या आएंगे। सो बैकग्राउंड अगर इसका हम बात करें, MEF वॉज लॉन्च इन 2019 बाय यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा, ये MEF जो था कब लॉन्च हुआ था, MEF बराक ओबामा के द्वारा लॉन्च हुआ था इन 2009, यूएस प्रेसिडेंट ने इसको लॉन्च किया था 2009। MEF का फुल फॉर्म दोबारा बता दूं क्या है, मेजर इकोनॉमीज फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट, एनर्जी एंड क्लाइमेट ठीक है, ये लॉन्च किया था। इंडिया की अगर हम बात करें कि इंडिया का क्या है इसमें रोल, तो इंडिया हैज ऑलरेडी इंस्टॉल 159 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी, इंडिया इसमें काफी कुछ काम कर रहा है एनर्जी एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो इसकी मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने इसमें काफी कुछ इंस्टॉल किया है। ड्यूरिंग द लास्ट 7.5 ईयर्स इंडिया इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी कैपेसिटी हैज इंक्रीज ओवर 18 टाइम्स, जैसे आपको पता है सोलर रिन्यूएबल में इंडिया थर्ड नंबर पर, और सोलर की अगर हम बात करें तो इंडिया क्या है 18 टाइम्स ज्यादा कैपेसिटी इंडिया ने सोलर पर इंस्टॉलेशन पर दी है ठीक है। इंडिया एनुअल पर कैपिटल एमिशन आर ओनली 1/3 ऑफ द ग्लोबल एवरेज, पूरे ग्लोबल एवरेज की दुनिया की बात करें तो इंडिया का सिर्फ 1/3 ही है एमिशन ग्लोबली ठीक है। इंडिया किस पे फोकस कर रहा है, पंच अमृत गोल्स पे फोकस कर रहा है, इंडिया बोल रहा है कि इसके अंतर्गत हम पंच अमृत चीजों पे हम फोकस करेंगे, वो पंच अमृत चीजें क्या हैं, वो ये हैं आपकी ठीक है, क्या बोलती है पंच अमृत चीजें आपकी, अर्बिंग 45 थ्रू वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट प्लान्स इन द वर्ल्ड, इंडिया इज ऑन ट्रैक टू मीट इट्स कमिटमेंट थ्रू द अडॉप्शन ऑफ लो कार्बन पॉलिसी अक्रॉस की सेक्टर्स ऑफ आवर कंट्री रेंजिंग फ्रॉम द ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू ई मोबिलिटी। एक तो आपकी क्या करना है, इंडिया क्या मूव कर रहा है कि आप सोलर पे मतलब रहे और GHGs जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं कार्बन वगैरह उसका कम यूज करें और हाइड्रोजन मतलब हाइड्रो इको फ्रेंडली रहे ठीक है, मोबिलिटी रहे ई मोबिलिटी पहला इसका है पंच, क्या मैं दोबारा बोल रही हूँ, पंचामृत को भी बोल सकते हैं उसको पंचामृता। इसके अंदर क्या है, राइज द नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी पहली स्टेज पर कैपेसिटी नॉन फ्यूल फॉसिल फ्यूल, दूसरा क्या है 50% नेशंस एनर्जी रिक्वायरमेंट टू बी मेट बाय रिन्यूएबल एनर्जी, और इंडिया का आपको पता है 2030 प्लान है ठीक है, रिड्यूस द टोटल कार्बन एमिशन ये भी कम करना बाय 2013, रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी
2013 have become carbon neutral and achieved the net zero carbon emission by 2030. But India ने बोला कि हम 2070 तक करेंगे, लेकिन इंडिया खुद ही जो मोदी जी अपने काफी हाईली उन्होंने अपने टारगेट सेट किए हैं, इससे पहले कि दुनिया करे, दुनिया में 2070 बोला हुआ है, लेकिन खुद के लिए 2030 का टारगेट सेट किया हुआ, काफी हाई स्टैंडर्ड सेट किया हुआ मोदी जी ने। तो यह है आपका पंचामृत, इसको बोला जाता है, ठीक है, पंचामृत गोल्स, इसी से रिलेटेड था ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो है आपका यूएनएससी 1267 कमेटी, जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा कि मक्की जो आपके लक्ष्य तैयार के जो यूएनएससी में थे परफॉर्मेंस, तो इंडिया ने कोशिश किया कि उसको वर्ल्ड वाइड आतंकी घोषित किया जाए, पर चाइना ने वहां पर डंगी लगा दी, उसको बोल दिया कि नहीं है आईएसआई जो अलकायदा के थे ये नहीं है पूरा वर्ल्ड वाइड, ये नहीं है आतंकवादी। तो उसी से रिलेटेड हम चलो बात कर लेते हैं यहाँ पे, आपको शक्ल दिख रही होगी अब्दुल रहमान मक्की, जैसे आपको दिख रहा है ये न्यूज में रिसेंटली, चाइना ने क्या किया, चाइना प्लेसेस उन्होंने होल्ड कर दिया इसको। चलो डिस्कस कर लें जल्दी से। India and the US jointly proposed, USB, उन्होंने दोनों jointly proposed किया list, मक्की को उन्होंने रखा उसमें terrorist की list में, most wanted terrorist worldwide, a top 10 लश्कर-ए-तैयबा, LET इसको बोलते हैं, लश्कर-ए-तैयबा के, ठीक है, under the UN Security Council, Al-Qaeda and ISIL, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे, Islamic State of Iraq and the Liberate Sanction Committee, which is also known as the UNSC 1267 Committee, इसी को हम क्या बोलते हैं, UNSC 1267 Committee, ये इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम है ISIL, LET, LET, ISIL, 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 ISI
1267 लिस्ट, क्या 1267 लिस्ट का हम बोलते हैं ग्लोबल लिस्ट होती है टेररिस्ट की। तो यहाँ पे क्या कहते हैं यूएनएससी स्टैम्प, इट इज फुल, पाकिस्तान की बात करते फुल ऑफ लिस्ट है, वहाँ पे बहुत सारे नेशनल्स नाम के बहुत सारे नाम है, पर उसमें भी हम हक्की की बात करें यहाँ पे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्टिव यूएन सब्सिडरी बॉडी वर्किंग इन एफर्ट टू कॉम्बैट टेररिज्म, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू अलकायदा एंड द इस्लामिक स्टेट ग्रुप। इट डिस्कस यूएन एफर्ट्स टू लिमिट द मूवमेंट ऑफ टेरर terrorist is of course especially those related to naval travel bans, the freezing of assets and arms involved for terrorism. India has made at least 3 attempts in the last decade. In 2009 se lekar 16 tak India ne bahut attempt kiya hua hai ki to list Jaish e Mohammed chief as global terrorist, ki Jaish e Mohammed ka jo chief hai usko hum global terrorist ke usme rakh diya jaye, but iska aap naam sun rahe hain Hafiz Saeed, bahut baar global terrorist ko ghoshit kiya jaye. All attempts has been blocked by China and पाकिस्तान से, तो ये सारे के सारे टेररिस्ट को ब्लॉक कर दिया गया, चाइना ने अपना यूज किया पावर उसको ब्लॉक कर दिया। चाइना हैज पुट अ होल्ड इन द यूनाइटेड नेशन एंड द लास्ट मोमेंट ऑन अ जॉइंट प्रपोज बाय इंडिया हाफिज सईद को कि उसको रखा जाए ग्लोबल टेररिस्ट, बट उन्होंने नहीं माना, इसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, जैसा कि हमें पता है चाइना ये कर सकता है, उसे क्या एक्सपेक्टेशन किया जा सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, नेशनल चंबल सेंचुरी की तरफ, जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आप शॉर्टकट में देख रहा होगा जो इलीगल माइनिंग है मध्य प्रदेश में जो की जा रही थी, वो गवर्नमेंट उसको रोक नहीं पा रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि जो सैंड है वहाँ पे साइड में उनको क्योंकि रोकने में सफल, तो उन्होंने ठीक है जो लोग वहाँ माइनिंग करने जाते हैं उनसे हम लोग चार्ज वसूल करेंगे, जबकि उन्होंने क्या चाहता है कि वो एनवायरमेंट के चलते उसको हम प्रोटेक्टिंग जोन में रखते हैं, उसको सेफ किया जाए, चंबल वैली की बात है, वहाँ पर उसको क्या कर दिया इलीगल माइनिंग को लीगल कर दिया उन्होंने, क्या ताकि आप उनसे पैसे लिया करेंगे, आप ठीक है करिए माइनिंग लेकिन अब उनसे पैसे जनरेट किया करेंगे, उनसे फीस जनरेट की जाएगी, जबकि वो असफल हो रहे थे उन लोगों को दूर रख पाने में जो इलीगल माइनिंग हो रही थी, उसी रिलेटेड आपका आर्टिकल बन जाता है नेशनल चंबल सेंचुरी को आप बात करें। रिसेंटली न्यूज में था, डिस्कस कर लेते हैं क्या था, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। रिसेंटली द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज प्रपोज टू ओपन 292 हेक्टेयर्स फॉर माइनिंग इन 5 स्ट्रेच ऑन चंबल एंड इट्स ट्रिब्यूटरी पार्वती रिवर्स। चंबल एंड इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी, पार्वती रिवर, पार्वती रिवर, ठीक है। द स्टेप इज टेकन टू फ्री इट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम डिवोटिंग टू मच टाइम रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स इन फाइटिंग इलीगल माइनिंग इन द नेशनल चंबल सेंचुरी। इलीगल माइनिंग चल रही थी ना वहां पे, उससे फाइटिंग करने के बजाय उन्होंने ऐसा एक मशवरा दे दिया कि चलो यहां पे इनको अलाउ कर दिया जाए। ठीक है, क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। सैंड माइनिंग हैज बीन बैंड इन द सेंचुरी इन 2006 से जो सैंड माइनिंग है ना ये बंद, मतलब बैन की हुई थी उन्होंने, पर यहाँ पे क्या इलीगल माइनिंग हो रही थी तो उसको रोका नहीं जा पा रहा था एक तरीके से, तो अब क्या किया गवर्नमेंट ने, ये बैन थी 2006 से। ठीक है, तो इट वाज सेटअप इन 1979 की अगर हम बात करें, सेटअप हुई चंबल, ये इशू जो था आया था, और 2006 से ये चंबल में सैंड माइनिंग बैन थी, सैंड ये देखो इसकी माइनिंग बैन थी एज अ रिवर सेंचुरी अलॉन्ग रिवर एंड क्या होता है बीहड़ मिट्टी के रिवर एंड actually along an approximately 425 किलोमीटर लेंथ ऑफ चंबल रिवर इट्स रिवाइन स्ट्रेच ओवर 2.6 किलोमीटर वाइड अलॉन्ग द चंबल रिवर नियर द ट्राई पॉइंट ऑफ राजस्थान मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। द नेशनल चंबल सेंचुरी इज लिस्टेड एज एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, ये आईबीबी है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है ये, एंड इज प्रपोज एज रामसर साइट, रामसर साइट के इसको प्रपोजल भी मिला हुआ सोचो, और फिर आपके इसमें ऐसा कुछ हो जाता है, फिर देखने में अजीब लगता है, अभी प्रपोज है, अभी हुआ नहीं, रामसर साइट में प्रपोजल मिला हुआ है। द नेशनल चंबल सेंचुरी इज होम टू क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल्स, स्मॉल क्रोकोडाइल्स, रेड कॉन, रूफ टर्टल एंड द इंडेजन गंगेस रिवर डॉल्फिन। गंगा जो डॉल्फिन है उसके लिए भी डेंजर है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा घड़ियाल भी है और बड़े सारे प्रजाति हैं जो कि डेंजर है। चंबल सपोर्ट द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल्स इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन अगर हम बात करें चंबल घड़ियाल यहाँ पे मिलते हैं घड़ियाल चंबल में, ठीक है, वर्ल्ड वाइड भी है। Only known place where nesting of Indian skimmers, Chambal supports 8 rare turtle species भी है वहाँ पे, out of 26 found in country, जो 26 उसमें इंडिया में मिलती है चंबल में। चंबल is one of the cleanest river in the country.
क्लीन एस रिवर भी है चंबल, पर यहाँ पर उनको बैन करने के बजाय यहाँ पे क्या करते हैं गवर्नमेंट ने इलीगल माइनिंग जो होती थी मध्य प्रदेश में प्लान उसको क्या कर दिया, प्लान चल रहा है कि लीगल कर दें उसको ताकि उनसे आप करें जाए, जो कि गलत है नहीं होना चाहिए, बट अब क्योंकि वहाँ सफल रहे उनको भगा रहे हैं जो इलीगल माइनर से, तो ऐसा था 2006 से बैन लगा हुआ था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर, क्या क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू सी घरियाल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट, कौन सी होगी, ऑफ कोर्स चंबल रिवर इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रेश वाटर में आपको डॉल्फिन भी देखने को मिलेंगी, कुछ टर्टल स्पीशीज भी देखने को मिलेंगी, घड़ियाल वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट आर्टिकल है हमारे ऑपरेशन संकल्प, उसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, आगे देख लेते हैं क्या है संकल्प। यहाँ पे क्या है, जो इंडिया का INS है वो यहाँ पे गल्फ कंट्रीज में रहेगा सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। आप बोलोगे वो ऐसे कैसे आ गया, हाँ बिकॉज क्या होता है यहाँ पे ट्रेड रूट यहाँ पे अटैक्स वगैरह गल्फ कंट्रीज में कंसेक्यूटिवली थर्ड बार ये देखने को मिल रहा है। अगर पोजीशन यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज आपको देखने को मिल रही है, इराक कुवैत और ईरान देखने को मिल रहा है, पर्शियन गल्फ मिल रहा है, कतार मिल रहा है, UAE मिल रहा है, पाकिस्तान यहाँ पे, तो यहाँ पे इंडिया का जहाज रहेगा फॉर सेफ्टी पर्पसेस। ट्रेड की अगर हम बात करें तो क्या था न्यूज में हम देख लेते हैं, इंडिया नेवी स्टेल्थ फ्रेजाइल INS तलवार स्पेशली डिप्लॉयड फॉर ऑपरेशनल संकल्प कमरेटिंग द थर्ड कंटिन्यूस ईयर ऑफ इंडिया नेवी प्रेजेंस इन द गल्फ। ठीक है, द इंडियन नेवी हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन संकल्प इन द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान में इनकी प्रेजेंस। ठीक है, किसके तहत, ऑपरेशन संकल्प के तहत, एज अ मेजर टू एश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन वेसल्स, इंडिया जो ट्रेड करता है ना उसकी सिक्योरिटी के लिए। आफ्टर द अटैक ऑन मर्चेंट शिप्स इन द गल्फ ऑफ ओमान इन June 2019, ओमान में अटैक हुआ था गल्फ उस शिप पे, तो तब से इंडिया ने सेफ्टी रखी, तो थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर है। इंडियन नेवी हैड कमेंस्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन संकल्प इन द गल्फ रीजन टू इंश्योर सेफ पैसेज ऑफ शिप्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज स्ट्रेट अगर मैं बताऊं आप देखो तो सेफ पैसेज देना वहां पर, ये इनका मेन अटैक करना नहीं, सेफ पैसेज देना, देखिए लोकेशन बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया, यहां से सेफ पैसेज देना स्टेट ऑफ, बात करूं स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, मिल जाएगा आपको मैप में ये। तो इससे लगे अगर हम बात करें 23 वॉरशिप हैव बीन डिप्लॉयड टिल डेट, कितनी वॉरशिप की है 23, किसमें, गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान में, मतलब गल्फ रीजन में इंडिया का नेवी पहुंच चुकी है वहां पे भी, कंसेक्यूटिवली थर्ड टाइम पहुंची, क्यों पहुंची, क्योंकि 2019 में इंडियन वेसल जो थे उनको अटैक कर दिया गया था, तो उसको सेफ्टी प्रोवाइड, सेफ्टी करने पर इंडिया गश्त लगाया ताकि सेफली यहां पर ट्रेड हो सके, पॉसिबल साफ रास्ता मिल सके, पैसेज मिल सके। ठीक है, गल्फ रीजन में तो ठीक है, 23 ईयर वॉरशिप हैव बीन डिप्लॉयड टिल डेट फॉर द ऑपरेशन एंड ऑन एन एवरेज 16 इंडियन फ्लैग मर्चेंट वेसल्स हैव बीन प्रोवाइडेड सेफ पैसेज ईच डे इन द गल्फ रीजन। इंडियन नेवी स्टेल्थ फ्रिजेट INS तलवार इज प्रेजेंटली डिप्लॉयड इन द गल्फ रीजन। INS तलवार की अगर हम बात करें कहां पे प्रेजेंट है, गल्फ रीजन में, जैसे मैंने आपको बताया यहां पे है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि इंडिया इज डिपेंडेंट फॉर अबाउट 85% ऑफ इट्स डिमांड फॉर ऑयल ऑन इंपोर्ट्स। ऑयल इंपोर्ट जो इंडिया का प्रत्याशी, अभी तो चलो आपको पता है कि रशिया का इंडिया सेकंड इंपोर्ट बढ़ गया, लेकिन उससे किसको बीट किया इंडिया ने, इराक को, बट अगर हम बात करें डायरेक्टली तो 85% जो हमारा गल्फ कंट्री से ट्रेड आता है वो ऑयल वगैरह से रिलेटेड होता है। ठीक है, ऑयल इंपोर्ट होता है। इन 2019 एंड 20 अराउंड 62% ऑफ इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स वैल्यूड एट अप्रॉक्सिमेटली $66 बिलियन केम फ्रॉम द गल्फ रीजन। इसी रीजन से आया, गल्फ रीजन से आया यहाँ से। ठीक है, यहाँ से पाकिस्तान फिर इंडिया से होते हुए गल्फ रीजन पे आया। ठीक है, ड्यू टू द प्रीवियस सिक्योरिटी सिचुएशन इन द पर्शियन गल्फ इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इंडियन फ्लैग मर्चेंट वेसल्स ट्रांजिट थ्रू द रीजन। ठीक है, INS तलवार की अगर बात करें, INS तलवार क्या है, इज द लीड शिप ऑफ द तलवार क्लास फ्रिजेट ऑफ द इंडियन नेवी। इसको F-40 करके बोला जाता है, F-40 करके भी INS तलवार को बोला जाता है, किसको, INS तलवार, तलवार या अपना स्वॉर्ड INS-40। ठीक है, फ्रिजेट ऑफ द इंडियन नेवी, इट नेम्स मीन स्वॉर्ड, नाम से तलवार का मतलब क्या है, स्वॉर्ड। ठीक है, इन हिंदी, बिल्ट इन रशिया, कब बिल्ट हुआ था INS रशिया के साथ, बिल्ट हुआ था, कमीशन इनटू द इंडियन नेवी इन June 2023 में कमीशन कर दिया जाएगा, बिल्ट है इन रशिया में, रशियन बिल्ट है, 3 में प्योरली इंडिया में। तो फीचर्स अगर हम बात करें तो एंटी एयर ऑपरेशंस के लिए काम आता है, एंटी शिप लैंड मिसाइल्स के लिए काम आ सकता है, एंटी सबमरीन वेयरफेयर के लिए भी, वॉरफेयर के लिए भी काम आ सकता है। तो ये था आपका, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा लेक्चर मेरा जो आएगा वो कंपाइलेशन होगा 19, 20, 21, 22, 23, पांचवा कंपाइलेशन आ रहा है, और वो मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी कवर करने का, रिवीजन मैगजीन से होगा, जितने भी बच्चे कुछ जो इसमें नहीं डिस्कवर हुआ है, वैसे तो मैंने पूरे जून का जितना भी था सारा कंपाइल कर दिया हुआ है मैं मेन मेन आर्टिकल, बट जो नहीं भी हुआ है वो सारा मेरा अब नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, बट आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं होगा तो सबका रिवीजन होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल साइनिंग ऑफ MJ, बट प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब, बहुत मेहनत जाती है आपको पता नहीं है यहाँ पर कितनी मेहनत जाती है, लिखा जाता है, बहुत कुछ होता है, और आपको फ्री PDF मिल रही है, तो प्लीज लाइक तो बनता है। दैट्स ऑल साइनिंग ऑफ MJ, बाय बाय, जय हिंद।